वेलकम ऑल ऑफ यू, आप सबका स्वागत है हमारे भगवद गीता सेशन में। तो लेट्स बिगिन विद मंगलाचरण एंड देन वील बिगिन क्लास। ओम अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानांजना श्लाघया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मुखं करोति वाचालं तं मंगलं हारिते यत् कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनदारुणं परमानन्द माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है हमारे आज के भगवद गीता सेशन में। सो बिफोर बिगिनिंग विल सी, हमारा अभी सेशन चल रहा है फोर्थ सेक्शन ऑफ सैक्रिफाइसेस। तो अगर हमने तो जस्ट वी डू द रिविजन 4.23 हमने देखा, चार चौथा अध्याय 23वां नंबर श्लोक। भगवान ने पहली बार सैक्रिफाइस या यज्ञ का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया। तो ही वाज टेलिंग दैट सैक्रिफाइस इज नॉट जस्ट एन एक्टिविटी बट अ मूड दैट परवेड्स ऑल एक्टिविटी। हम कोई भी कार्य करें, सैक्रिफाइस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ अग्नि में आहुति डालना, सिर्फ उसे ही सैक्रिफाइस नहीं कहते हैं, बल्कि जो भी हम कार्य करते हैं एवरीथिंग इज कॉल्ड इज कैन बी टर्म्ड एज सैक्रिफाइस। तो अगर हम वन सेकेंड आई विल जस्ट चैप्टर 4 श्लोक नंबर 23। तो भगवान ने यहाँ पर 23वें नंबर श्लोक में पहली बार यज्ञ का एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। एंड आफ्टर दैट ही स्टार्टेड टेलिंग कि इस प्रकार से अगर कोई यज्ञ करता है, हर कार्य को अगर हम यज्ञ के हिसाब से देखते हैं ताकि हम भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने की कोशिश करें, एंड इन दैट वे व्हाट विल हैपन ऑटोमेटिकली आवर कर्मा यज्ञ, हम जो कर्म करते हैं कर्मों के जो फल हैं वो भी भगवान में विलीन हो जाएंगे। तो इसीलिए उसके बाद का जो उन्होंने श्लोक दिया 24th नंबर, उन्होंने इस प्रकार के ऐसे कर्म को बताने की कोशिश की कि इस प्रकार का कर्म जो होता है उसे क्या कहा जाएगा, यज्ञ। और उसमें हम जो भी चीज अर्पण करते हैं, जो अर्पण करता है, जिस वस्तु को अर्पण किया जाता है और जिसमें अर्पण किया जाता है, वो सब ब्रह्म है। तो इस श्लोक की कभी कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। पीपल में मिसअंडरस्टैंड दिस श्लोक दैट ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो चूंकि ये चैप्टर भगवद गीता का स्टार्टिंग के चैप्टर्स में से आता है, दिस इज अमंग द फर्स्ट चैप्टर्स। तो क्योंकि अभी भगवद गीता शुरू हुई है इसीलिए कर्मों के उद्देश्य जो कि भगवान स्वयं है, तो भगवद गीता में स्टार्टिंग में भगवान स्वयं को अपना कर्मों के उद्देश्य के बारे में प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। वो जब सेकंड सेक्शन शुरू होगा, जब भगवद गीता का भक्ति योग का जब सेक्शन शुरू होगा, तब वो भगवान श्री कृष्ण बताएंगे कि आई एम एक्चुअली द गोल ऑफ एवरी एक्टिविटी। बट यहाँ पर उन्होंने एक निराकार कॉन्सेप्ट, या क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या है निराकारवादी ज्यादा होते हैं, दे थिंक दैट गॉड इज इम्पर्सनल, तो इसीलिए यहाँ पर इम्पर्सनल एस्पेक्ट दिया है। तो इस चैप्टर में अगर हम देखेंगे भगवान इस श्लोक में ब्रह्म 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 बहुत बार ब्रह्म शब्द का यूज कर रहे हैं, लेकिन दूसरे अगर चैप्टर्स में जाएंगे 9 चैप्टर ऑनवर्ड्स 9.11 9.16 वहां पर डायरेक्ट शब्द आना शुरू करता है अहम अहम। तो इनफैक्ट इन दिस श्लोक 4.24 तो 24 में भगवान ने 6 बार ब्रह्म शब्द यूज किया है, लेकिन अगर 9.34 देखेंगे तो आगे, या फिर 18.65 हर जगह अहम अहम शब्द यूज किया है, या फिर 9.16 अगर हम देखेंगे देयर आर सो मेनी टाइम्स 7-8 टाइम्स भगवान कृष्ण अहम शब्द को यूज करते हैं। तो यानी कि दैट मींस दैट दिस मींस कृष्णा ओनली। तो देखिए यहाँ पर एक दो चीज जो हम देखने वाले हैं कि वन सेकंड 24th नंबर श्लोक हमने लास्ट वीक में चर्चा की थी। तो देखिए कभी भी यज्ञ होता है तो यज्ञ में क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, अगर आपको आप लोगों ने घर में बहुत बार यज्ञ करवाया होगा राइट, क्या 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 चीज होती है यज्ञ में, क्या क्या चीजें लगती हैं, कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं, कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, अगर कोई बताना चाहे, समवन वुड लाइक टू मेंशन क्या क्या होता है बताइए, एनीबॉडी वुड लाइक टू मेंशन। यज्ञ जब हम करते हैं, हवन करते हैं, हवन में क्या क्या चीजें लगती है, वुड ऑयल घी और पंडित, एक ही बार में सब लिख दिया, यस थैंक यू सो मच, ओके वुड ऑयल घी पंडित और भी कोई लगता है, एनीबॉडी एल्स, पंडित है, घी है, जलावन की आपके पास चीज है, लेकिन बाकी से बाकी कुछ और कुछ
धूप घी मंत्रो यस अजय जी बेल पाता बेल पाता बेल पाता ठीक है बेल पाता ओके चलो बेल पाता अपनी मन शिवे पूजा करते जय तुलसी ओके ठीक है राजेश जी सुजाना माता तुलसी पुष्प ओके सामग्री यस सामग्री की बात मैं कर रहा हूँ नारियल की बात कर सामग्री में नारियल भी आ गए घी देखिए अगर आपके पास पंडित है जैसे पूजा ने पहले ही बताया कि हाँ जो यज्ञ परफॉर्म करवाते हैं वो भी इन्वॉल्व है यस थैंक यू सो मच यू कंप्लीटेड द आंसर कि नॉट ओनली सामग्री ठीक है जैसे एक तो है हवन की सामग्री यूज करना जिसकी आहुति हो रही है दूसरे यज्ञ कुंड की भी आवश्यकता है कुंड बनाते हैं हम चौकोन कुंड रहता है उसके सामने हम लोग जो भी बेल पाता था ना हमारा ये लगाई कॉलर पाता कॉलर तो प्रियंका है तो बेल पाता है पूजा करे जय हाँ हाँ तो उसके साथ में पंडित लगता है मतलब तो बहुत सारे आइडियली किसी यज्ञ में चार होत्र होने चाहिए चार प्रकार के लोग होने चाहिए एनीवेज आजकल एक ही पंडित होते हैं और नहीं तो साथ में जो करवा रहा है वो भी होना चाहिए ठीक है आम की लकड़ी यस बहुत सारी चीजें लगती है तो वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ भगवान क्या करना चाह रहे हैं लोगों के कॉन्सेप्ट को भगवान ये यज्ञ को एक्चुअली बता रहे हैं कि इस प्रकार के यज्ञ जो अभी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं भगवान तो किसमें क्या होता है देखिए पहला जो उन्होंने शब्द यूज किया है ब्रह्मार्पणम तो कभी भी ये ब्रह्मार्पणम शब्द आए ये ब्रह्मार्पणम मतलब ब्रह्म निराकार ब्रह्म को अर्पण करने की बात नहीं हो रही यहाँ पर किस चीज को ब्रह्म को अर्पण होने की बात हो रही है उसे हम देखेंगे व्हाट वी आर ट्राइंग टू सरेंडर चैप्टर नंबर 5 आई विल शो यू द पावर पॉइंट कि भगवान को अगर जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो देर आर मेनी काइंड ऑफ आपके सामने स्क्रीन दिख रहा होगा हाँ तो भगवान के साक्षात्कार में जब भी कभी भगवान की ओर कोई जाता है तो देर आर 3 लेवल्स ऑफ एडवांसमेंट पहला तो चलो आत्मा के बारे में जानना कि जब हम भगवदगीता जानने की कोशिश कर रहे हैं वी आर नॉट दिस बॉडी वी आर सोल आत्मा उसके बाद पहला जो बेसिक रियलाइजेशन होता है ब्रह्म साक्षात्कार की कोशिश करते हैं और वो लोग कौन लोग हैं ये ब्रह्मन नहीं है ये ब्रह्म है इंग्लिश में बहुत बार प्रभुपाद जी ब्रह्मन लिखा हुआ होता है दिस इज नॉट ब्राह्मण दिस इज ब्रह्म ठीक है ये ना ही ब्रह्मा जी है ये ब्रह्म है दूसरा है परमात्मा साक्षात्कार तीसरा है भगवान साक्षात्कार तो ये तीन प्रकार के साक्षात्कार कैसे हैं तो भगवान का जो भगवान की जो शरीर से अंग कांति निकली है जो रोशनी निकली है जो 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 लाइट निकली है जो बहुत सारे लोग ध्यान करना चाहते हैं कि हम ज्योति पे फोकस करेंगे ये ज्योति क्या है भगवान के शरीर की अंग कांति है इसे क्या कहा जाता है सत एस्पेक्ट एंड दिस इज द ब्रह्मन रियलाइजेशन कुछ लोग कुछ प्रकार के योगी हैं अभी आने वाला है 25वें नंबर श्लोक में कुछ प्रकार के योगी हैं जो भगवान के ये जो लाइट वाला एस्पेक्ट है इस पे फोकस करते हैं वो भगवान के ऊपर ध्यान नहीं करेंगे ना कि परमात्मा के ऊपर ध्यान करेंगे वो सिर्फ इस पे ध्यान करेंगे मैं निराकार सब निराकार तो सब कुछ आकार वाला है और आप ही निराकार हो एनीवेज दिस इज अ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग तो दूसरा जो अंडरस्टैंडिंग है जो और बेटर अंडरस्टैंडिंग है कि भगवान को परमात्मा के रूप में जानना कि सबके हृदय में भगवान योगी के भी हृदय में भगवान परमात्मा के हृदय में परमात्मा है हमारे हृदय में भी और सब जीवों के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में ये थोड़ा और हायर अंडरस्टैंडिंग है इसमें सत और चित एस्पेक्ट भगवान का रिवील होता है एंड द लास्ट एस्पेक्ट इज भगवान साक्षात्कार जो कि भक्त लोग भगवान को जानने की कोशिश करते हैं वेयर कृष्णा रिवील्स इन हिज ओरिजिनल फॉर्म वो चार हाथ वाले विष्णु रूप के भी दर्शन नहीं होते उसमें उसमें भगवान स्वयं श्री कृष्ण नंद नंदन श्याम सुंदर मोर मुकुटधारी वंशी वाले श्री कृष्ण भगवान को हम दर्शन करते हैं तो दैट इज भगवान साक्षात्कार तो कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली इस ब्रह्मन लेवल के इसमें अटक जाते हैं तो इसीलिए क्योंकि भगवान अभी चैप्टर नंबर 4 में है और अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसीलिए उन्होंने ब्रह्म शब्द की के बारे में बताया उन्होंने ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं की तो इसीलिए इस श्लोक में भगवान तो हम यहाँ पर बताना चाह रहे थे कि अरे यज्ञ में कौन किसकी आहुति होती है who goes into the yagya what merges कर्ता विलीन हो जाता है या कर्म विलीन हो जाता है it is that work that becomes spiritualized तो इस श्लोक में भगवान ने बेसिकली एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जिसमें भगवान बता रहे हैं कि यज्ञ करने से हमारे सारे कर्मों के फल विलीन हो जाते हैं और तो और अगर एक और चीज है जैसे जब भी हम कर्म करते हैं यज्ञ करते हैं तो ब्रह्मार्पणम तो यहाँ पर ब्रह्मार्पणम का मतलब है भगवान श्री कृष्ण को अर्पण हो जाता है ब्रह्म हवीर जैसे हम कोई भी सामग्री
ऐड करते हैं। अभी जैसे हम लोग क्या ऐड करते हैं, आप लोगों ने ही बताया कि हम लोग लकड़ी, जलावन की लकड़ी होती है, जौ होता है, घी होता है, तेल तो नहीं होता है, देयर इज नो ऑयल, शुद्ध देसी घी, तो वो हम लोग ये करते हैं, दैट इज ब्रह्म हविर, हविर या फिर जो बटर यहाँ पर जो मेंशन किया गया है, बटर नहीं एक्चुअली घी। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, दूसरा यहाँ पर ब्रह्मार्पणम का मतलब ये नहीं कि सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करना, भगवान श्री कृष्ण के जितने भी अवतार हुए हैं, राम, नरसिंह, वामन, अगर कोई किसी का भी भक्त है, दैट ऑल्सो विल मीन दैट दिस इज ब्रह्मार्पणम, भगवान कृष्ण के कोई भी अवतार को हम अर्पण कर सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान अभी इनडायरेक्टली ही सब कुछ बोल रहे हैं। तो दूसरा अगर देखें, तीसरा अगर देखें, ब्रह्माग्नौ, भगवान बोल रहे कि अग्नि भी जो है वो भी ब्रह्म है, जिस चीज को हमने अर्पित किया वो भी ब्रह्म है, जिसमें अर्पित कर रहे हैं वो भी ब्रह्म है। तो जिसमें अर्पित किया हमने बताया, व्हाट इज दैट, ब्रह्मार्पणम, भगवान श्री कृष्ण ने अर्पित किया। लेकिन ब्रह्म हविर जो अर्पित कर रहे हैं, घी अर्पित कर रहे हैं, वो भी स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाती है, क्योंकि अगर हमारी चेतना अगर सही है, भगवान कृष्ण की अगर भक्ति करते हुए हम कोई भी कार्य करते हैं, तो चाहे वो माउस हो, चाहे वो लैपटॉप हो, या चाहे वो मोबाइल फोन क्यों ना हो, अगर हम भगवान की भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, एवरीथिंग बिकम्स स्पिरिचुअलाइज्ड। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि इवन द बटर दैट ऑल्सो बिकम्स स्पिरिचुअलाइज्ड। या फिर ब्रह्माग्नौ, ब्रह्माग्नौ का मतलब क्या है कि अग्नि, अग्नि भी स्पिरिचुअलाइज्ड है। देखिए इस श्लोक में एक और जो चीज हमारे लिए समझने लायक है, एक्चुअली कृष्णा हैज टू टाइप्स ऑफ एनर्जीज, राइट, भगवान श्री कृष्ण की दो प्रकार की शक्तियां हैं, कृष्णा हैज टू टाइप्स ऑफ एनर्जीज, स्पिरिचुअल एनर्जी एंड मटेरियल एनर्जी, राइट। तो आध्यात्मिक शक्ति है भगवान की और भौतिक शक्ति है। अभी ये दोनों निकली कहां से, भगवान श्री कृष्ण से ही निकली है। तो भले ही ये भौतिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति कहां पर है, आध्यात्मिक जगत में है, वैकुंठ में है या गोलोक वृंदावन में है, इस जगत में हम जो भी चीज देख रहे हैं, एवरीथिंग इज मटीरियल, सारे चीजें क्या है, भौतिक पदार्थ है। अभी इन सब भौतिक पदार्थों को एक्चुअली निकलने कहां, ये सब जन्म कहां से हुआ है इनका, कृष्ण से हुआ है। तो एक्चुअली अगर जब भी हम कोई चीज, भौतिक चीज है, जैसे ये चीज हुई या कोई भी, दीज आर ऑल मटेरियल थिंग्स, बट वेन एवर वी यूज एनीथिंग इन कृष्णा सर्विस, इन कृष्णा सर्विस, व्हाट विल हैपन कि इसका भी नेचर चेंज हो जाता है। भले ही ये देखने में मटेरियल लग रही हो, बट इसका नेचर भी क्या हो जाता है, इट ऑल्सो टेक्स अप स्पिरिचुअल नेचर। ये भगवान की सेवा में जब भी लगता है, इसीलिए प्रभुपाद जी ने वो मेंशन किया, हमने लास्ट वीक में हमने बताया ना कि भगवान प्रभुपाद जी मेंशन कर रहे हैं डिवोशन को किस तरह से डिवोशनल सर्विस, भक्ति को भक्ति की भावना नहीं, क्योंकि सेवा, कुछ कुछ तो करना है भगवान के लिए, कुछ तो कार्य करना है। वो कार्य करना का मतलब क्या हुआ, वी हैव टू एंगेज समथिंग इन कृष्णा सर्विस। तो मटेरियल एनर्जी, तो उन्होंने प्रभुपाद जी कह रहे थे कि वी कैन एंगेज इवन मिसाइल्स इन कृष्णा सर्विस, व्हाट टू स्पीक ऑफ पेन, लैपटॉप, प्रोजेक्टर, एनीथिंग, कुछ भी चीज, माइक्रोफोन, कुछ भी। तो दिस इज अनदर रिवॉल्यूशनरी आइडिया कि जब भी कोई वस्तु भगवान की सेवा में लग जाती है, वो भी क्या हो जाती है, स्पिरिचुअल हो जाती है। इसीलिए इस शब्द, इस श्लोक में जब भगवान शब्द यूज कर रहे हैं ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म हविर, ये हविर मतलब क्या है, ये जो भी चीज अर्पित कर रहे हैं वो भी स्पिरिचुअल हो जाती है। इवन द अग्नि, अगर हमारी चेतना अगर सही है, वो अग्नि, अभी अगर अग्नि की बात करें, क्योंकि अग्नि इज ऑल्सो कृष्णा डिवोटी, भगवान कृष्ण के भक्त हैं। एक बार की एक कहानी आती है, आप लोगों ने अगर महाभारत पढ़ा है, उसमें एक सेक्शन में एक एक, एक चीज आती है कि महाभारत के युद्ध के बाद एक बार अर्जुन, ये जैमिनीय महाभारत में मेंशन आता है, एक बार अर्जुन जाते हैं कहां पर, नीलध्वज नाम के एक नगरी, नीलध्वज नाम का एक राजा था, वो महिष्मतीपुरी, एक देर वॉज वन किंगडम, उसने बस महिष्मती, तो उस स्थान में जाते हैं। और जाने के बाद क्योंकि अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा को लेकर गए थे युधिष्ठिर महाराज, इसलिए ये अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, उन्हें लगा कि अरे भाई मुझे पश्चाताप करना है, मैंने इतने लोगों को का वध हो गया है इस युद्ध में, तो आई हैव टू डू सम पेनेंस, मुझे कुछ पश्चाताप करना चाहिए। तो उस समय उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा और वो जाते जाते साउथ दुनिया में एक स्थान आता है महिष्मतीपुरी, वहां के एक राजा थे नीलध्वज, वो भी भगवान के भक्त थे, लेकिन उन्होंने घोड़ा घोड़ा पकड़ लिया और उनकी दोस्ती थी अग्निदेव के साथ, ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ अग्निदेव, राइट। तो अभी ऐसा युद्ध होने लगा, घमासान युद्ध होने लगा कि अर्जुन एक तरफ से युद्ध कर रहे हैं और उस तरफ से अग्निदेव भी नीलध्वज राजा को हेल्प करने के लिए आ गए। ऐसे भयानक युद्ध में अग्नि चारों तरफ उनकी, अर्जुन की सेना को जलाई जा रही है, जलाई जा रही है, उनका कुछ सेना में कुछ नहीं बचा, एवरीथिंग वॉज डिस्ट्रॉयड। अर्जुन अपनी तरफ से वरुण अस्त्र छोड़ रहे हैं, पानी की बौछार कर रहे हैं, लेकिन वरुण देव, अग्निदेव शांति
अभी उस समय अर्जुन को ये लगने लगा, अरे आप तो मेरे फ्रेंड हो, आपको याद है खांडवप्रस्थ युद्ध, इसमें आपने मुझे गांडीव दी थी, आपने मुझे रथ दिया था, आपने मुझे सब कुछ तुनीर दिए थे, दो इनविंसिबल तुनीर, आप लोगों को याद आ रहा होगा चैप्टर नंबर 1 में हम डिस्क्राइब किया था, तो ये सब आपने दिया, आप तो मेरे फ्रेंड है, आप ऐसा क्यों डील कर रहे हैं मेरे साथ, या अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा युधिष्ठिर महाराज के लिए प्लीज इसे छोड़ दीजिए, और व्हाई यू आर हेल्पिंग दिस नीलध्वज, तुम तो मेरे फ्रेंड हो। उस समय क्या हुआ, तब भी अग्निदेव मान नहीं रहे थे। उस समय फिर अर्जुन का दिमाग गर्म हो गया, बोले ठीक है अब मैं नारायण अस्त्र छोड़ूंगा। तो नारायण अस्त्र जैसे छोड़ते हैं उसी समय अग्निदेव शांत हो जाते हैं, मतलब नमन कर, क्योंकि नारायण अस्त्र के सामने सिर्फ माथा झुकाना है और कुछ नहीं कर सकते, आप अगर अस्त्र चढ़ाएंगे तो उस समय नारायण अस्त्र और तीव्र बन जाता है। तो उस समय फिर कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है, तो अग्निदेव अर्जुन को बोलते हैं, तुमको क्या लगता है मैं इस नीलध्वज का हेल्प क्यों कर रहा हूँ, वाई आई एम डूइंग इट बिकॉज बट आई फील तुम्हें भगवान श्री कृष्ण में विश्वास नहीं है, यू हैव नो फेथ इन ऑन लॉर्ड कृष्णा। अरे अगर कृष्ण में विश्वास होता तो तुम यहाँ पर आकर व्हाई यू आर डूइंग अश्वमेध यज्ञ, अरे भगवान कृष्ण जिस स्थान पर है वहां जहां पर तुम 5 पांडव हो, तुम लोग भगवान के स्वयं इतने बड़े भक्त हो, जहां पर कृष्ण है तुम लोग को और किस पश्चाताप करने की आवश्यकता है, यानी कि तुम्हारा भगवान कृष्ण में भरोसा नहीं है, इसीलिए तुम्हारे इस चीज की परख करने के लिए और तुम्हारे इस चीज की इस गलत सोच को ठीक करने के लिए मैंने ये कार्य किया, तुम्हारे प्रति मैंने इस तरह का कार्य किया। तो अर्जुन बोलते अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ, देयर इज नथिंग लाइक दैट। तो एक एग्जांपल देते हैं, अरे भाई जैसे भगवान श्री कृष्ण की तुलना करते हैं वो, कि जिस प्रकार से सूर्य है और सूर्य के सामने अगर जुगनू अगर चमकने की कोशिश करे क्या होगा उसका, जुगनू की आभा आएगी क्या, नथिंग, वो कुछ समझ में नहीं आएगा। या फिर अगर दूसरा अगर एग्जांपल दें, ही गिव्स एन अनदर एग्जांपल, कि जो क्षीर सागर में रहता है, दूध के सागर में रहता है, और वो बकरी के दूध को अगर धोना चाहे उसको, और क्या उसको बकरी के दूध की क्या आवश्यकता, ऑलरेडी उसके पास इतना सब कुछ है। तुम्हारे पास भगवान श्री कृष्ण है, यू डोंट नीड एनीथिंग टू डू, अश्वमेध यज्ञ वगैरह करने की कोई आवश्यकता नहीं है, व्हाई यू आर डूइंग इट। तो इस प्रकार से बहुत बातें होती है, फिर बोलते हैं अरे नहीं नहीं एक्चुअली ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार से उन्होंने अग्निदेव ने फिर से उनकी जितनी भी सेना को जलाया था, जितने भी अस्त्र शस्त्र को जलाया था, सब कुछ वापस लौटा देते हैं, और साथ में नीलध्वज को भी बोलते हैं भाई घोड़ा लौटा दे, ही इज अ डिवोटी ऑफ कृष्ण एंड आई एम ऑल्सो हिज फ्रेंड, आई वॉज जस्ट टेस्टिंग हिम। तो यहाँ पर देखिए भगवान कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं कि अग्नि का मेंशन कर रहे हैं, ब्रह्माग्नौ, दिस अग्नि इज ऑल्सो कृष्णास डिवोटी, कृष्णास सबऑर्डिनेट। तो ये भी एक तरह से स्पिरिचुअल हो जाता है जब हम भगवान कृष्ण की ये करते हैं का स्मरण करते हैं। दूसरा, ब्रह्म के द्वारा, ब्रह्मणाहुतम, आहुति किसके द्वारा दी जा रही है, हमने एक और चीज बताया, और भी कुछ लगता है कि नहीं, पूजा राइटली आंसर्ड, हाँ एक और व्यक्ति लगता है जो यज्ञ कर रहा है, तो ब्रह्मणाहुतम यानी कि वन हु इज डूइंग यज्ञ, जो करने वाला है वो भी तो चाहिए, यजमान। तो यहाँ पर देखिए हु ही इज ऑल्सो ब्रह्म, अभी कुछ लोग इसको गलत समझ लेते हैं कि देखिए स्टार्टिंग में क्या हुआ, ब्रह्मार्पणम यानी कि भगवान कृष्ण को अर्पण करना है, उसमें भी ब्रह्म लिखा हुआ था, और जो अर्पण करने वाला है वो भी ब्रह्म है, तो ये दोनों को इक्वल कर रहे हैं, हम आई एम ब्रह्म, भगवान इज ब्रह्म, वी आर बोथ ब्रह्म, यानी कि हम इक्वल है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ब्रह्मन ब्रह्मन वी आर माइन्यूट ब्रह्म, कृष्णा इज विभू ब्रह्म, हम लघु हैं, भगवान विभू हैं, हम छोटी आत्माएं हैं, भगवान परम आत्मा है, तो भगवान और हम कभी भी एक लेवल पर नहीं आ सकते, हाँ क्वालिटेटिवली वी आर सेम। तो जो यज्ञ करने वाला है अगर उसकी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस रहेगी, दैट वेज ही कैन ऑल्सो बिकम लाइक सिमिलर इन क्वालिटी लाइक कृष्णा। एंड आगे दूसरा एक और आता है, ब्रह्मैव तेन गंतव्य, तो ये कहाँ चला जाता है गंतव्य, हमारे जो कर्म है जब हम यज्ञ करते हैं, जब भगवान की भक्ति करते हैं, या फिर हम जब करने के बाद ये कहाँ, वेयर दिस कर्मा गोस, तो यहाँ पर ये एक चीज है कि दिस मीन्स कृष्णास इटर्नल अबोर्ड, ब्रह्मैव तेन गंतव्य, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सारे कर्मों के फल भगवान कृष्ण के धाम में, एंड आफ्टर द डिसॉल्यूशन ऑफ दिस बॉडी, हमारा जब शरीर चला जाएगा, वे वेयर विल गो, अगर हम भक्ति में परिपूर्ण परिपक्व हो जाते हैं, वी विल डेफिनेटली गो बैक टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो दैट्स व्हाई कृष्णा मेंशन ब्रह्मेन तेन गंतव्य, देखिए एक ही वर्ड में भगवान ने बहुत सारे मीनिंग्स मेंशन किए, हर जगह अलग अलग, ब्रह्म का मतलब अलग अलग है, एक इसीलिए कभी भी भगवत गीता सिर्फ लिटरली डिक्शनरी मीनिंग से हम भगवत गीता नहीं समझ सकते, इसीलिए किसी भक्त की आवश्यकता है भगवत गीता समझने के लिए। यहाँ पर भगवान कृष्ण भगवत धाम के बारे में बता रहे हैं कि दिस इज ब्रह्मेन तेन गंतव्यम एंड ब्रह्म कर्म समाधिना, ऐसा व्यक्ति, और लास्ट में हमारा जो कर्म है वो क्या होगा, एक तरह से ब्रह्म कर्म समाधिना। तो दो प्रकार की समाधि होती है, एक होती है
आई विल मेंशन दिस इन देखिए देर आर टू टाइप्स ऑफ समाधिस राइट समाधिस कैन बी ऑफ टू टाइप्स तो जनरली हम लोगों का जो समाधि का कॉन्सेप्ट पता है कि व्हाट टाइप ऑफ समाधिस आर देयर समाधि मतलब हम जब भगवान के विचार में विलीन हो जाते हैं तो समाधि कैन बी लाइक सक्रिय सक्रिय समाधि एंड अनदर समाधि समाधि निष्क्रिय तो ये एक्चुअली अगर आप लोगों को याद आ रहा होगा निष्क्रिय समाधि राइट तो सक्रिय समाधि भक्त लोग करते हैं व्हेनेवर डिवोटीज आर एंगेज्ड इन कृष्णा सर्विस वो लोग भी एंगेज हैं लेकिन उनकी चेतना हमारी क्या है समाधि का मतलब ये नहीं कि एकदम लीन रहे इंद्रिया एकदम निष्क्रिय हो जाए नहीं वी आर दे आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द लॉर्ड ये ज्यादा जरूरी है तो निष्क्रिय अवस्था में भी कोई क्या कर रहा होगा भगवान के बारे में अगर सोच रहा है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड निष्क्रिय समाधि जनरली ये लोग कौन लोग करते हैं ब्रह्मवादी या योगीस मैं मायावादियों की बात नहीं कर रहा हूँ मायावादी लोग डेंजरस होते हैं ब्रह्मवादी मतलब जो भगवान को निराकार रूप में समझते हैं ऐसे व्यक्ति नहीं जो भगवान को अपने हिसाब से समझते हैं आई एम गॉड यू आर गॉड एवरीवन इज गॉड सबाई भगवान ना ये लोग प्रॉपर रूप है जो भगवान की पूजा आराधना करते हैं भगवान के निराकार रूप को ध्यान करते हैं इनकी बेसिकली निष्क्रिय समाधि होती है लेकिन जो डिवोटीज होते हैं उनकी ये समाधि कौन सी होती है सक्रिय समाधि तो इसी प्रकार का प्रश्न अर्जुन ने भगवद गीता में चैप्टर 2 में भी पूछा था कौन से प्रकार की स्थित प्रज्ञा की बात कर रहे हो यू आर मेंशनिंग अबाउट स्थित प्रज्ञा बट विच काइंड ऑफ स्थित प्रज्ञा यू आर मेंशनिंग राइट आप लोग वो याद आ रहे हैं तो यहाँ पर स्थित प्रज्ञा बताया था भगवान कि ऐसा व्यक्ति कौन सी समाधि है तो भगवान ने वहां पर डायरेक्टली मेंशन नहीं किया था कि विच काइंड ऑफ समाधि बट यहाँ पर भगवान ने डायरेक्टली मेंशन किया है ब्रह्म कर्म समाधि ना ऐसे व्यक्ति के सारे कर्म हमेशा भगवान की के इसमें ही लीन रहेगा वो एंड दिस विल दिस काइंड ऑफ समाधि राइट इस प्रकार की समाधि तो जिसमें निष्क्रिय समाधि और सक्रिय समाधि ठीक है ये हमने एक चर्चा की तो नाउ 25 नंबर श्लोक ऑनवर्ड्स हियर आवर क्लास बिगिंस तो हमने थोड़ा बहुत मेंशन किया था लास्ट क्लास में देखिए दो प्रकार के अभी हाँ अभी वी विल टेक आवर पावर पॉइंट चैप्टर 4 तो बेसिकली 25 से 33 अभी जो सेक्शन आने वाला है इसमें भगवान श्री कृष्ण एक नया कॉन्सेप्ट लेने वाले हैं कि ज्ञान कैसे होता है यज्ञ जब हम करते हैं तो उसकी वजह से ज्ञान भी मिलता है हमें वी गेट नॉलेज तो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कृष्ण ने अभी तक कौन सा वाला सेक्शन अभी देखिए 23 में ये वाला उन्होंने बेसिकली 23 वाला श्लोक अभी हमने जो लिया एक्चुअली एवरी एक्टिविटी हम जो भी कार्य करते हैं एवरी एक्टिविटी शुड बी लाइक अवर फायर सेक्रीफाइस हर प्रकार का जो भी कार्य कर रहे हैं कोई अगर ऑफिस जा रहा है कोई अगर अपना गृहस्थी का कार्य कर रहा है कोई अपना मोटर मैकेनिक है कोई भी तरह का कार्य कर रहा है एवरी एक्टिविटी इज लाइक अ फायर सेक्रीफाइस प्रोवाइडेड वी आर थिंकिंग ऑफ कृष्णा अगर हम थिंकिंग नहीं कर रहे हैं देन इट्स नॉट अ सेक्रीफाइस तो यज्ञ इज नॉट जस्ट फायर सेक्रीफाइस बट एनी एक्टिविटी परफॉर्म टू अटेन सर्टेन गोल टू प्लीज कृष्णा तो अगर जब हम इस प्रकार की एक्टिविटी करते हैं उस प्रकार की एक्टिविटी हमें दिव्य ज्ञान देता है तो लेसन ऑफ दिस सेक्रीफाइस अभी जो आने वाला है अभी अभी एट प्रेजेंट जो आने वाला है हर जो 25 से लेकर 30 नंबर श्लोक तक ये लेसन है कि ऐसी चीज जो हम अपने लिए भोग करने के लिए यूज कर सकते थे उसे हम किसी हायर चीज के लिए यूज कर रहे हैं समथिंग विच वी कुड हैव यूज्ड फॉर आवर सेल्फ वी आर यूजिंग इट फॉर अ हायर कॉज किसी ऊंचे उद्देश्य के लिए यूज करना ये होता है सेक्रीफाइस अपने लिए नहीं किसी और के लिए ठीक है व्हाट एग्जैक्टली वी ऑफर What is the higher cost? Cause that varies. हम क्या अर्पण कर रहे हैं और किसके लिए अर्पण कर रहे हैं ये डिफर करता है लेकिन यज्ञ का कॉन्सेप्ट में 25 से अभी जो शुरू होगा 29 नंबर श्लोक तक ये अभी चलने वाला है जैसे अगर आप उदाहरण देखेंगे देखिए हम लोग कितने लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किया है फिजिक्स के लैब में जो साइंस फील्ड से है क्लास 12th में हम लोग ये प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट करते थे कि अगर यहाँ से व्हाइट लाइट डालते हैं तो यहाँ पर सतरंगी बहुत सारे रंग निकल आते हैं आप लोगों ने किया कितने लोगों ने किया हाउ मेनी ऑफ यू सीन आप लोग हाथ उठा सकते हैं ओके थैंक यू तो बेसिकली अगर हम देखेंगे
बहुत प्रकार के इस प्रकार के बहुत सारे हमारे ये अगर एक्सपेरिमेंट आपने देखा है, व्हाइट लाइट ही इतने सारी चीजों में डिवाइड हो जा रही है, राइट। तो उसी प्रकार से ये जो यज्ञ है, यज्ञ का कॉन्सेप्ट भी बहुत प्रकार से अगर देखा जा सकता है, भगवान कृष्ण इसी चीज को देने वाले हैं, बेसिकली ऑल आर टाइप्स ऑफ यज्ञ ओनली। लेकिन इसी को हम 25 से 29 नंबर श्लोक में भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों के बारे में समझेंगे, कौन से यज्ञ हैं, लेट्स सी। जैसे देखिए इंद्रधनुष, आप लोगों कितने लोगों को पता है इंद्रधनुष, देखा है आप लोगों ने, इंद्रधनुष में भी इसी प्रकार के रंग होते हैं, विवग्यर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो देखिए जिस प्रकार से इंद्रधनुष में बहुत सारे ये होते हैं, रंग होते हैं, लेकिन वो आग आ रही है, वो सफेद जो लाइट है उसी का वो इतने भागों में विभाजित होकर इतने प्रकार के रंग बन गई है। उसी प्रकार से इस जो सेक्शन में है भगवान श्री कृष्ण सैक्रिफाइस का लेसन बता रहे हैं, कितने प्रकार के सैक्रिफाइस हो सकते हैं। एक माँ अपने बच्चे के लिए सैक्रिफाइस करती है, चाहे पिता अपने बच्चे के लिए सैक्रिफाइस करते हैं, पिता या एक एक पति अपने परिवार के लिए सैक्रिफाइस कर रहा होता है, पत्नी पति के लिए पूरे परिवार के लिए सैक्रिफाइस कर रही होती है, इन लॉज के लिए सैक्रिफाइस कर रही होती है, दिस इज ऑल्सो सैक्रिफाइस। एक बच्चा आगे चल के अपने पिता के लिए, माता के लिए सैक्रिफाइस करता है, जो कमा कर लाता है अपने माता पिता को देने की कोशिश करता है, उनका भरण पूरण करने की कोशिश करता है, जब उन्होंने उसको हेल्प किया, अब बाद में एक टाइम आता है जब बच्चा अपने पिता माता की सेवा करे, दैट इज ऑल्सो सैक्रिफाइस। या फिर उससे बढ़कर सैक्रिफाइस क्या है, ये तो चलो अपने हम अपने परिवार में ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं, अपने कम्युनिटी में सैक्रिफाइस कर रहे हैं, कुछ लोग होते हैं जो देश के लिए सैक्रिफाइस करते हैं, फॉर नेशन, फॉर कंट्री, दिस इज ऑल्सो सैक्रिफाइस, ये भी एक प्रकार का यज्ञ है कि नहीं। सैक्रिफाइस मतलब क्या, किसी के लिए त्याग करना। दूसरा उससे भी बड़ा सैक्रिफाइस है क्या, ह्यूमैनिटेरियन कॉज, नेशन के लिए तो चलो एक बात है, लेकिन कोई रेड क्रॉस ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग हैं आप लोगों में से बहुत लोग होंगे, मेनी पीपल आर ट्राइंग टू हेल्प समवन एल्स, हाउ मेनी, बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं समहाउ थ्रू एनजीओस ट्राइंग टू अरेंज सम ऑक्सीजन या फिर सिलेंडर या किसी तरह से कुछ भी प्रकार का, अगर बेड वेंटिलेटर किसी तरह का सपोर्ट मिल जाए किसी को, हम कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, या फिर अपने ही रिलेटिव्स में हम कोशिश कर रहे हैं किसी को हेल्प करने की। यस यस संदीप टू, थैंक यू। तो हम कोशिश कर रहे हैं हर प्रकार से सेवा करने की। तो ये किस प्रकार का कार्य हुआ, ये दिस इज ह्यूमैनिटेरियन फार बियॉन्ड इवन, कोई देश, एक देश दूसरे देश का भी हेल्प करने के लिए आते हैं, ऑक्सीजन भेज रहे हैं सिंगापुर, अमेरिका, सो मेनी पीपल और इंडिया, अभी आपने हमें हेल्प किया, अभी हमारी बारी है आपको, हम आपको हेल्प करेंगे। अभी भारत की स्थिति खराब है, दिस इज दे आर ऑल्सो एक्सटेंडिंग देयर हेल्प, दिस इज ऑन अ हायर लेवल, एंड समटाइम्स पीपल आर वर्शिपिंग सम डेमी गॉड्स, देवताओं की कोई भी कोई यज्ञ करने की कोशिश करना चाहते हैं, पूजा करने की कोशिश करता है। तो इतने प्रकार के, देखिए हमने अभी तक क्या देखा, इतने प्रकार के ग्रेडेशन है सैक्रिफाइस के, अपने घर से लेकर, अपने परिवार से लेकर, अपने देश से लेकर, अपने समाज से लेकर, किसी देवता को, किसी हायर लिविंग एंटिटी को, बट हर जगह कुछ ना कुछ तो त्याग कर रहे हैं ना। संतुष्ट जब हम किसी को करते हैं, संतुष्ट करने की एक विधि है, अरे इवन फॉर अ गर्लफ्रेंड वी नीड सम रोज, अरे खरीद के तो लेके आना पड़ेगा, 5 रुपए 10 रुपए का एक रोज ही लेके आना पड़ेगा, रोज रोज नहीं, एटलीस्ट एक रोज दे दीजिए, एक रोज भी देंगे, नॉट इवन रोज रोज, तो भी दैट इज ऑल्सो सैक्रीफाइस, राइट। तो सिमिलरली इफ यू सी सैक्रीफाइस इज देयर इन एवरी एक्टिविटी। तो भगवान अभी इसी सैक्रिफाइस को 25 से नंबर 30 के श्लोक में अंदर बहुत तरह के सैक्रिफाइस के बारे में बताएंगे। तो सैक्रिफाइस वाइड वराइटीज फ्रॉम 4.25 टू 29, बट कृष्णा व्हाट ही इज डूइंग, कृष्णा इज नॉट रिकमेंडिंग एनी ऑफ देम। देखो मैं कोई भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ तुमको, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ अर्जुन को, क्योंकि कंक्लूजन एक और चीज आने वाली है। भगवान भगवद गीता में बताएंगे, अर्जुन तू ये जो युद्ध कर रहा है ना, वट यू आर डूइंग नाउ, दिस वॉर, दिस फाइटिंग इज ऑल्सो अ सैक्रिफाइस, और मैं वो सैक्रिफाइस अभी मैं नहीं बताऊंगा, आगे के कुछ क्लासेस में बताऊंगा कि भगवान बताएंगे, अरे अर्जुन अपना दिमाग खोल, सिर्फ यज्ञों को यही मत समझो कि एक होत्री होता है और एक पंडित होता है, बस यज्ञ कर रहा वही यज्ञ नहीं है, यज्ञ हर एक्टिविटी में हो सकता है, वेयर वी आर ट्राइंग टू प्लीज समवन, सम हायर लिविंग एंटिटी विद समथिंग, जो हम अपने भोग के लिए यूज कर सकते थे उसे हम किसी और को देने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक सो फॉर एग्जाम्पल, लाइक I am really thankful to all of you, because in the time of crisis in temple also, मंदिर में अभी ऐसी बुरी परिस्थिति है, but in this time also many devotees extended their help and contributed so many things, बहुत लोगों ने बताया भी नहीं, they have done silently कि हमने मंदिर में दान कर दिया, कुछ लोगों को at least I know कि some people at least what I know, so you are also trying to help in some way, वही लक्ष्मी जितने भी आपने दिया
अरे अपने भूख के लिए भी तो यूज कर सकते थे, अपने परिवार के लिए भी तो यूज कर सकते थे, अपना पेट काटकर अगर तो किसी चीज के लिए कोई यूज कर रहा है, दैट इज ऑल्सो सैक्रीफाइस एंड दैट दिस इज द सुप्रीम सैक्रीफाइस, जब हम भगवान की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं। तो यही चीज भगवान कृष्ण अर्जुन को भी बता रहे हैं, बट किसी भी यज्ञ को अभी रिकमेंड नहीं करने वाले। अभी जब 25 से शुरू होगा, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, रादर व्हाट ही इज डूइंग, ही विल जस्ट मेंशन द नेम्स, वो सब नाम को बताएंगे। तो बेसिकली सैक्रीफाइसेस वो क्यों मेंशन कर रहे हैं, सैक्रीफाइसेस आर मेंट फॉर रेजिंग ह्यूमन कॉन्शियसनेस, मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए ये यज्ञ काम आते हैं, ये त्याग की भावना, दूसरों की सेवा करने की भावना ये काम आती है, राइट। एंड ही कृष्णा व्हाट ही इज डूइंग, ही इज जस्ट गिविंग एन ओवरव्यू, अर्जुन देख ले बेटा इतने प्रकार के यज्ञ होते हैं, और तू जो करने वाला है तू भी कुछ यज्ञ करने वाला है। तो 25-29 के बाद हम रिवील करेंगे कि अर्जुन कौन सा यज्ञ करने वाला है, राइट। तो दिस इज व्हाट व्हेन वी कम जरूरत में किसी के काम आए, वी इफ द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज नॉट टू लिव अ सेल्फिश लाइफ, इफ प्रोवाइडेड वी कैन कम टू समवनस हेल्प, दैट इज द हाईएस्ट कॉज। और उसमें भी अगर सबसे बड़ी हाईएस्ट कॉज क्या है, अगर किसी को हम भगवान की भक्ति दे सके, भगवान की भक्ति दे सके, वो सबसे बड़ा हायर कॉज है। जैसे अगर मैं उदाहरण दूंगा, प्रभुपाद जी बहुत मेंशन करते थे एक मेले की कहानी, आप लोगों को पता होगा कि एक मेले में एक बच्चा गुम हो जाता है। सपोज कुंभ के मेले में एक बच्चा गुम हो गया, अब वो पिताजी को ढूंढ रहा है, पिताजी को ढूंढ रहा है, वो उसके पिताजी बीएम बिरला, बिरला करोड़पति के बेटे बेटा है वो, और वो बेचारा कुंभ में नहाने गया, कोविड के टाइम में नहीं गया था कुंभ में, क्योंकि कोविड के टाइम में जाएंगे तो न्यूज़पेपर मीडिया इतना क्रिटिसाइज कर गया, कोविड में यज्ञ ये सब हो रहा है, ये सब क्यों कर रहे हैं। जब इलेक्शन की रैली होती तब नहीं दिखता लोगों को। एनीवेज दैट इज अनदर थिंग। तो एनीवे कुंभ का मेला चल रहा था, और कुंभ के मेले में वो बच्चा गुम हो गया। अभी एक कोई व्यक्ति आया, उसने देखा कि बच्चा गुम हो गया, उससे पूछा, अच्छा बेटा क्या हुआ, तू रो क्यों रहा है? बोले भूख लगी। तो बोले ठीक है, तेरे को चल एक चाट की दुकान में लेके आता हूँ, तेरे को अच्छे से खिला देता हूँ, जो खाना है तुझे खा ले। उसके लिए चलो 20-30-40 रुपये खर्चा करके उसको खिला दिया, और वो चला गया, बच्चे का भी पेट शांत हो गया। उसी तरह से थोड़ा आगे गए, आगे जाने के बाद फिर उसको रात को सोना है, ठंडी लग रही है, तो एक व्यक्ति आया, अरे देखा ये बच्चा सो रहा है, ये कर रहा है, उसको एक कंबल दे दिया, बेटा तेरे को एक शेल्टर, एक स्थान भी दे दिया, कंबल भी दे दिया, तुझे सब कुछ मिल जाएगा, चिंता मत कर। उस बच्चे को कंबल चंदा दे दिया, एंड द चाइल्ड इज स्टिल क्राइंग, बट एटलीस्ट ही इज सेटिस्फाइड कि मुझे ठंडी तो नहीं लगेगी रात के समय। फिर नेक्स्ट दिन फिर सुबह हुई, फिर भूख लगी। इसी तरह से कोई और दो चार व्यक्ति आ गए, उसको खिला दिया, कोई इसको ये कर दिया, किसी को मेले में उसको घुमा दिया, तेरे भाई बहुत रो रहा है, तेरे को 10 रुपए का टिकट काट के हम थोड़ा नागौर दौलाते घूरी दी हम लोग। इस तरह से बहुत तरह का भी कर रहे हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति ये नहीं पूछ रहा, अरे तू कौन है, तू कहाँ से आया, तेरे बापा का नाम क्या है, वेयर फ्रॉम यू आर कमिंग। हर कोई व्यक्ति उस बच्चे को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा है, बट विदाउट नोइंग द नीड ऑफ द चाइल्ड, एक्चुअल नीड मतलब क्या नीड है, भूख लग रही है उसको खिला दिया, लेकिन बाद में तो फिर भूख लगेगी ना। हम इस समाज में लोगों को बहुत चलो सेवा कर रहे हैं, हम लोग बहुत बार कहते हैं मानव सेवा ही माधव सेवा। देखिए इस शब्द का बहुत बार मिस इंटरप्रिटेशन, दिस इज क्वाइट ऑफन मिस इंटरप्रिटेड। हम लोग समझ लेते हैं कि मानव की सेवा करने से माधव मिल जाएंगे, नहीं, रादर जब हम माधव की सेवा करते हैं तब हमें समझ में आता है कि मानवों की सेवा किस प्रकार से करनी है, हाउ टू सर्व पीपल, व्हाट इज देयर एक्चुअल नीड। तो इस एग्जाम्पल में भी किसी ने भी अभी तक यही नहीं सोचा कि वो बच्चे का नीड क्या, एक्चुअल नीड मतलब क्या। कभी किसी को हॉस्पिटलाइजेशन लगे, कभी किसी का घर बार नहीं है, कुछ नहीं है, वी गिव देम, बट दैट इज नॉट द हाईएस्ट नीड ऑफ द सोल। आत्मा की एक्चुअल नीड क्या है, जब हम भगवान के पास कनेक्टेड होते हैं, दैट इज द हाईएस्ट नीड। जब पिताजी से अपना हमारा जब रीयूनियन होता है उस बच्चे का, दैट इज द हाईएस्ट नीड। बट हम लोग क्या सोच रहे हैं, शायद हम सेक्स लाइफ से सेटिस्फाइड हो जाएंगे, शायद मनी से सेटिस्फाइड हो जाएंगे, शायद एक बंगला होगा उससे सेटिस्फाइड होंगे, सो मेनी थिंग्स, और हम लेते भी हैं, एक्युमुलेट करते जाते हैं, लेकिन वी आर नेवर सेटिस्फाइड, राइट, वी आर नेवर सेटिस्फाइड। उसी मेले में एक और व्यक्ति आता है और उसको बोलता है, अच्छा तेरे पिताजी का नाम क्या है, ओके जमशेदपुर में रहता है, ओके आई विल टेक यू। तो उसको इतना पैसा खर्चा करके ट्रेन में लाकर अपने उसके पिताजी का एड्रेस पूछता है, नाम पूछता है, पूरे शहर में ढूंढता है, फिर उसका बंगला दिखता है पिताजी का, अरे वाह तेरे पिताजी तो बहुत बड़े अमीर आदमी, चलो उसे मिला देता हूँ। एंड देन ही मेक्स द चाइल्ड मीट हिज फादर। उस समय आपको लगता है, क्या लगता है, अरे उसके पिता कितने खुश होंगे। ऑफ कोर्स ही विल बी हैप्पी विद अदर पीपल आल्सो, बट ही विल बी मोस्ट हैप्पी विद द लास्ट पर्सन, बिकॉज ही ओनली एंडेड अप द सफरिंग ऑफ द चाइल्ड कंप्लीटली। जब वो पिता के पास जाएगा तो खाना पीना सब कुछ उसका पूर्ण हो जाएगा। उसी प्रकार से आत्मा की भी नीड्स हैं, बहुत सारी नीड्स हैं, लेकिन हम लोग इधर उधर पानी वानी डाल के इधर उधर कुछ करके कोशिश कर रहे हैं, स्टॉप गैप सॉल्यूशंस, दिस इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। दिस इज द नीड ऑफ द सोल। तो कृष्णा
तो इसीलिए ये जो लास्ट वाला जो एग्जांपल है, हम लोग इस संसार में हॉस्पिटल खोल रहे हैं, ये खोल रहे हैं, वो खोल रहे हैं, एवरीथिंग वी आर डूइंग ऑफ कोर्स दैट इज रिक्वायर्ड विदाउट नोइंग कृष्ण. जब कृष्ण को केंद्र में रख के अगर आप सारी चीजें करेंगे देन देयर वोंट बी एनी इश्यूज. तो इसीलिए देयर इज नो प्रॉब्लम विद समाज सेवा प्रोवाइडेड वी आर डूइंग सेवा फॉर द सोल ऑल्सो. अदरवाइज व्हाट विल हैपन, गांधी जी को जैसे भले ही गांधी जी ने इतनी समाज सेवा की लेकिन किसी को कोई कोई ना कोई व्यक्ति जरूर होगा जिसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे आप उसी. लेकिन जब हम भक्ति करते हैं, अगर भगवान को संतुष्ट करते हैं और उस हिसाब से हम दूसरों की सेवा करते हैं, कृष्णा इज ऑल्सो सेटिस्फाइड, एंटायर वर्ल्ड इज सेटिस्फाइड. दुर्वासा मुनि का एग्जाम्पल आप लोगों को याद होगा. दुर्वासा मुनि, क्योंकि कृष्ण ने एक पत्ता सांप का खा लिया तो दुर्वासा मुनि और उसके 10,000 शिष्य सबका पेट भर गया. अरे उनका क्या, पूरे जगत में जितने लोग हैं सबका पेट भर गया. वाई नॉट अदर लिविंग एंटिटीज. इसीलिए दिस फॉर्मूला पीपल डोंट नो और बहुत बार क्रिटिसाइज करते हैं, अरे तुम कर रहे हो भक्ति, क्या हुआ ये सब भक्ति भक्ति करके. पीपल आर सफरिंग इन दिस वर्ल्ड, ऑफकोर्स पीपल आर सफरिंग एंड वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू डू थ्रू आवर ओन, इवन इन आवर ओन डिवोटी सर्कल्स. हम लोग कोशिश कर रहे हैं किसी को अगर हेल्प हो जाए, कुछ हो जाए, कोई डिवोटी डॉक्टर मिल जाए, किसी भी तरह से किसी को भी हेल्प मिल जाए. तो दिस काइंड ऑफ हेल्प, इस प्रकार के हेल्प भी जरूरी है. लेकिन सबसे बड़ा हेल्प क्या है, एक आत्मा को भगवान के साथ जोड़ना. दिस इज आवर रियल सेक्रीफाइस. तो सेक्रीफाइस का मतलब क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रेजिंग आवर अबव आवर सेल्फिशनेस, अपनी सेल्फिशनेस के ऊपर उठना और समथिंग विच वी कुड हैव यूज्ड फॉर आवर सेल्फ, ऐसी चीज जो हम अपने लिए भोग के लिए यूज कर सकते थे, वही चंद रुपए जो हम अपने लिए यूज कर सकते हैं वो किसी और के लिए हम खर्च कर रहे हैं, किसी और के लिए दे रहे हैं. तो टू बी यूज फॉर अ हायर कॉज, वट एग्जैक्टली वी ऑफर एंड वट इज द हायर कॉज दैट वेरीज, राइट. तो ये जब कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुस गया, याद रखिएगा, समथिंग विच वी कुड हैव यूज्ड फॉर आवर सेल्फ टू बी यूज्ड फॉर हायर कॉज, ये हमारा लेसन है, पॉइंट ऑफ लेसन है. तो अभी जो पहला जो श्लोक आ रहा है हमारे लिए, फर्स्ट श्लोक इज दैवमेव अपरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्मणव अपरे यज्ञम यज्ञे नैवोपजुहवति. 25 नंबर श्लोक. अगर आप लोगों के पास ये है भगवद गीता है, प्लीज ओपन 25th नंबर श्लोक. यस. तो बेसिकली इस श्लोक में दो प्रकार के, 25वें नंबर श्लोक. तो आज हम लेफ्ट साइड में जो आपको दो यज्ञ दिख रहे हैं, डेमिगॉड वर्शिप, ब्राह्मण वर्शिप, ये तो दो प्रकार के यज्ञ अभी पहला वाला सेक्शन हम लेने वाले हैं. तो देवम एवापरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञम यज्ञे नैवोपजुहवति. तो देखिए इस श्लोक में दो प्रकार के यज्ञों के बारे में बताया गया. कुछ लोग हैं, कृष्णा इज टेलिंग व्हाट, देयर आर सम पीपल, दैवम एवापरे, किसके लिए यज्ञ कर रहे हैं वो लोग, दैवम, देवताओं की संतुष्टि के लिए, राइट. वो लोग क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं. और कुछ लोग हैं ब्रह्म अग्नि अवपरे यज्ञ, यानी कि कुछ लोग हैं जो ब्रह्म की अग्नि में यज्ञ करते हैं और उसमें भी कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं. तो ये दो प्रकार के योगी ये लोग कौन है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे. तो देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ यज्ञस. तो यज्ञ भी दो प्रकार के हो सकते हैं. अभी हम एग्जैक्टली यज्ञ की बात कर रहे हैं, जब यज्ञ का मेंशन हो रहा है, वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट टू टाइप्स ऑफ यज्ञस. यज्ञस कैन बी ऑफ टू टाइप्स. वन इज ऑफ कर्मकांड, कर्मकांडी यज्ञ. अभी आप लोगों को पता चल गया होगा, इतना हम लोगों ने डिस्कस किया है सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर में, कि कर्मकांडी यज्ञ मतलब क्या, जिसमें हम देवताओं की पूजा करने की कोशिश करते हैं, जो हम लोग जनरली देखते आए हैं, इस देवता की पूजा करना, इस देवता की अर्चना करना, उसे कहा जाता है कर्मकांडी यज्ञ. अभी हम लोग कोई नारियल चढ़ा रहे हैं या कुछ भी चढ़ा रहे हैं, दैट इज कर्मकांड. तो वर्शिपिंग ऑफ डेमिगॉड्स इज कर्मकांड. एंड ज्ञान कांड के यज्ञ, कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्ञान कांड के भी यज्ञ करते हैं, वेयर दे आर रिजेक्टिंग मटेरियल एग्जिस्टेंस, इस भौतिक प्रकृति के भौतिक जितनी भी वस्तु हैं सबका त्याग करके वो क्या करना चाहते हैं, इम्पर्सनल निबरेशन, यानी कि ब्रह्म ज्योति में भगवान का. हमने क्लास के पहले क्या बताया, भगवान की ब्रह्म ज्योति है निराकार जो ऑब्जेक्ट, उस ब्रह्म ज्योति में वो लीन होना चाहते हैं. दे वांट टू मर्ज इन दैट ब्रह्म ज्योति. तो ये उनकी इच्छा है. तो ये भी एक प्रकार का यज्ञ है. तो अभी देखिए, अगर हम इधर इनकी यज्ञ की बात करें, इनके लिए सैक्रिफाइस क्या है, फायर सैक्रिफाइस. इनके लिए भी अगर एक यज्ञ कुंड बनाया जाए तो उसमें अगर मान लीजिए वो कुछ भी आहुति डाल रहे हैं, घी डाल रहे हैं या फिर लकड़ी डाल रहे हैं, दिस इज दैट काइंड ऑफ सैक्रिफाइस. फॉर हुम, फॉर डेमी गॉड्स, देवताओं की संतुष्टि के लिए. और अपने कमाई का जो भी पैसा है वो खर्चा कर रहे हैं, दैट इज देयर आहुति.
लेकिन इस ज्ञान कांड की अग्नि में ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। देखिए इस यज्ञ कुंड में क्या आहुति हो रही है, द पर्सन हिमसेल्फ, जो व्यक्ति यज्ञ कर रहा है, ही हिमसेल्फ इज ट्राइंग टू मर्ज इन टू ब्रह्म ज्योति, किसमें, और ये यज्ञ की अग्नि क्या है, ये है ब्रह्म ज्योति, भगवान की जो इंपर्सनल अग्नि है, भगवान की जो ज्योति है उसमें वो लीन होना चाहता है, जैसे एक जुगनू, जैसे एक परवाना होता है। अब परवाना क्या करता है, मौत, मौत मर्जेस इनटू फायर, उसी प्रकार से ये लोग भी हैं, वो लोग अग्नि में लीन करना चाहते हैं अपने आप को, बस बस हमें क्या करना है, लीन हो जाना है, ब्रह्मलीन परमहंस परिव्राजकारी अष्टोत्तर शत ब्रह्मलीन ये स्वामी डैश 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 स्वामी। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग होते हैं जो ब्रह्म, दिस इज नॉट रिकमेंडेड, कृष्णा इज नॉट रिकमेंडिंग एनी काइंड ऑफ यज्ञ हियर, राइट। तो अभी यहाँ पर समझिए दोनों में अंतर क्या है, दो प्रकार के हमने यज्ञ बताए, इसमें से देखिए अभी हम यहाँ पर बता रहे हैं, देखिए ये एक प्रकार से जो कर्मकांडी यज्ञ है, एक्चुअली इसमें भोग की इच्छा है, इसमें इसमें स्टिल देर इज अ डिजायर फॉर एंजॉयमेंट ओनली, ये लोग यज्ञ कर रहे हैं बट स्टिल देर इज अ डिजायर फॉर एंजॉयमेंट, व्हाई, कि अरे भाई देवता लोग इनको आपको इतना संतुष्ट कर रहे हैं, इतना किलो घी डाला है, एटलीस्ट मुझे ये लॉटरी मिल जाए, या एक अच्छी पत्नी मिल जाए, या ये घर अच्छा मिल जाए, घर की शांति हो जाए, इस तरह से हम लोग, तो डिजायर हमारा क्या रह रहा है, एंजॉय करना। तो बेसिकली भोग की अच्छा है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो सैक्रिफाइस कर रहा है, ये व्यक्ति भी सैक्रिफाइस कर रहा है अपने धन का, अपने अपने रिसोर्सेस का, स्टिल ही सैक्रिफाइसिंग, बट हिज डिजायर इज टू एंजॉय। लेकिन कृष्णा हैज इंक्लूडेड दिस काइंड ऑफ सैक्रिफाइस ऑल्सो एज अ सैक्रिफाइस, ऑल्दो दिस पर्सन इज ट्राइंग टू एंजॉय, व्हाई, बिकॉज इनके अंदर में ये चेतना है कि देर इज अ सम हायर लिविंग एंटिटी, हमारे ऊपर कोई तो व्यक्ति है जो हमसे ऊपर है, यानी कि वो भगवान के जो डेमीगॉड पोर्शंस हैं, देवताओं को एग्जिस्ट करते हैं वो मानता तो है, एटलीस्ट नास्तिक तो नहीं, अरे ये सब देवता वेवता कुछ नहीं होते, सब बिगाड़ है, सब बिगाड़ है, एटलीस्ट ऐसा नास्तिक तो नहीं है, वो जानता है कि हमारे ऊपर कोई सरकार है, आला कमान में चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, ये सब अगर समझ रहा है कोई व्यक्ति, दैट मीन्स ही इज एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग कि अरे देवताओं के ऊपर एटलीस्ट भगवान तो होंगे, तो वो ये जरूर जानता है कि भगवान है, लेकिन डायरेक्ट भगवान को अप्रोच नहीं कर रहा है, वो उन्हीं के अंश देवताओं को अप्रोच कर रहा है। तो ये भी एक प्रकार से यज्ञ है, भले ही इसमें भावना क्या है, भोग करने की, लेकिन दूसरा जो यज्ञ है, तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हायर रियलिटी, ही इज एक्सेप्टिंग अ हायर रियलिटी, बट एक्चुअली स्पीकिंग दिस कर्मकांडीज आर नॉट कंसिडर्ड अ योगी, दे आर एक्चुअली कंसिडर्ड भोगी, इन लोगों को भोगी समझा जाता है, इनको योगी नहीं समझा जाता। दूसरी तरफ एक और अगर उदाहरण देंगे, ये ब्रह्म अग्नौ, तो दूसरा जो जो हमने ये बताया, कृष्णा नेवर रिकमेंड्स दिस काइंड ऑफ यज्ञ, ये अपने आप को, दिस इज लाइक स्पिरिचुअल सुसाइड, हमारे अपने एग्जिस्टेंस को ही अगर अगर भगवान की ज्योति में लीन कोई कर देता है, जो मायावादी लोग सोचते हैं, ब्रह्मवादी लोग सोचते हैं कि हम अपने आप को ब्रह्म की अग्नि में विलीन कर देंगे, अरे उसके बाद करेगा क्या, खाली बल्ली बैठा रहेगा क्या, यू हैव टू डू सम एक्टिविटी, डिवोशनल सर्विस, प्रभुपाद जी ने हमेशा ये मेंशन किया है, दिस इज डिवोशनल सर्विस, दिस इज नॉट डिवोशन, सिर्फ अंदर अंदर नहीं, वी हैव टू डू सम एक्टिविटी, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, कुछ खाने पीने कुछ करने को रहता नहीं है उनको, बस आनंद, जस्ट क्या मिलता है, देयर इज शांति, देयर इज नो आनंद, देयर शांति है, ब्रह्म ज्योति में सिर्फ शांति है, आनंद वैकुंठ में है, भगवान के धाम में है, गोलोक वृंदावन में आनंद है, इसीलिए आनंद, और हमारा नेचर क्या है, अभी इसको अगर इस जीवात्मा को सिर्फ शांति मिले, और इसका नेचर क्या है, सत चित आनंद, आत्मा का नेचर है आनंद चाहता है वो, लेकिन इसको सिर्फ इसको कॉन्सोलेशन प्राइज मिला है ना, अरे भाई तेरे को सांत्वना पुरस्कार मिला तू शांति लेकर बैठे रहे, अरे भाई कितना देर बैठे रहेगा, उसको कुछ तो आनंद चाहिए, ही वॉन्ट्स टू एंजॉय, ही इज नॉट एबल टू एंजॉय विद कृष्णा, ही इज जस्ट मर्जिंग लाइक अ बल्ब, बल्ब बल्ब में एक बल्ब ज्योति मन के बैठा हुआ है, वो एक जस्ट जल रहा है, वो उससे क्या होगा, अंत में जाके क्या होता है, यही जीवात्माएं फिर से इस भौतिक जगत में फिर से इनको आना पड़ता है, अगेन दे हैव टू टेक बर्थ इन दिस मटीरियल वर्ल्ड, एंड दे हैव टू टेक अगेन रिपीटेशन ऑफ बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ, एक जन्म से दूसरे जन्म, दूसरे जन्म से तीसरा जन्म, इस प्रकार से भुगतते रहते हैं, ये उनकी एक प्रॉब्लम है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में इसको भी इसको रिकमेंड नहीं किया, ऐसे लोगों का क्या प्रॉब्लम है, ये जस्ट मेंशन कर रहे कि इस प्रकार के भी कुछ योगी होते हैं, यस, दे ट्राई टू फिनिश देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी, ये प्रॉब्लम है, बस एक तरह से स्पिरिचुअल सुसाइड, अपनी आइडेंटिटी को हम विलीन कर देंगे, हम भगवान बन जाएंगे, हम भगवान, एक्चुअली एक तरह से एनवियसनेस ही है भगवान के प्रति, कि तुम भगवान बनना चाहते हो, तुम भगवान, मैं भी भगवान बनूंगा भाई, तो बेसिकली अ पर्सन विल नेवर बी सेटिस्फाइड इन सच काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस, राइट।
तो ये ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना चाहते हैं. यस, थैंक यू विक्रम प्रभु फॉर हेल्पिंग मी आउट विद द परफेक्ट वर्ड. सो नाउ 26 नंबर श्लोक, 26 नंबर श्लोक में हम लोग देखेंगे द नेक्स्ट दूसरा यज्ञ. लेट्स सी. तो नेक्स्ट इज श्रोत्रांद्रि इंद्रियाण्यान्ये संयम अग्निषु जुहवति शब्दादि शब्दादि विषयान अन्य इंद्रिय अग्निषु जुहवति. तो कृष्णा एयर मेंशंस अनदर टू टाइप्स ऑफ सैक्रिफाइस. देखिए दो हो गए और दो इस श्लोक में आ रहे हैं, दो प्रकार के सैक्रिफाइस. तो क्या सम ब्रैकेट में लिखा हुआ है द अनएडल्ट्रेटेड ब्रह्मचारी, जो एकदम निष्ठा पूर्ण ब्रह्मचारी होते हैं वो लोग क्या करते हैं, दे ऑल्सो सैक्रिफाइस द हियरिंग प्रोसेस. श्रोत्र आदि इंद्रियान्यान्य, यानी कि श्रोत्र आदि. देखिए यहाँ पर श्रोत्र एक तरफ लिखा हुआ है, एक तरफ है शब्द, ये हम चर्चा करने वाले हैं अभी. श्रोत्र मतलब कान, शब्द मतलब कान की विषय वस्तु. क्या है कान की विषय वस्तु? साउंड, राइट. इसलिए श्रोत्र आदिनी. तो यहाँ पर आदिनी का मतलब क्या होता है, आदि मतलब श्रोत्र, इसके अलावा बहुत सारी आदि, यानी कि श्रोत्र के जैसे कान जैसे एक तरह की इंद्रिय है, इसके अलावा बहुत सारी इंद्रिया है, जैसे आंख इंद्रिय है, हमारी स्किन एक इंद्रिय है, सो मेरी नोज इंद्रिय है, टंग इंद्रिय है, राइट. ज्ञान इंद्रिय, जिसे हम ज्ञान लेते हैं, दे आर कॉल्ड इंद्रियस. और इन्हीं इंद्रियों की वस्तुएं भी होती हैं जिनको हम गैदर करते हैं, इंफॉर्मेशन जिसको गैदर करते हैं, उसे क्या कहा गया है, शब्द आदिन, यानी कि देर आर एटसेट्रा. मतलब बेसिकली आदि मतलब एटसेट्रा है, शब्द मतलब एक नाम उन्होंने लिया, क्योंकि एक श्लोक में इतना सारा मेंशन करना मुश्किल है. तो ही इज मेंशनिंग श्रोत्र की एक और उसकी जो सेंस ऑब्जेक्ट है, देयर इज सेंस व्हिच इज कॉल्ड श्रोत्र, यानी कि इयर्स, उसी का सेंस ऑब्जेक्ट यानी कि उसी की भोग करने की वस्तु क्या है, साउंड. तो दो प्रकार के लोग हैं, दो अलग अलग प्रकार के यज्ञ करते हैं. एक पहला वाला लाइन में वो ब्रह्मचारियों के बारे में बता रहे हैं, दूसरे वाले लाइन में वो गृहस्थों के बारे में बता रहे हैं. तो अभी समझने की कोशिश करेंगे ये किस प्रकार से भगवान ने कैसे इसको रिलेट किया है. तो सम अनएडल्ट्रेटेड ब्रह्मचारीज सैक्रिफाइस द हियरिंग प्रोसेस एंड द सेंसेस इन द फायर ऑफ मेंटल कंट्रोल, एंड अदर्स द रेगुलेटेड ग्राहस होल्डर्स दे सैक्रिफाइस द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंसेस इन द फायर ऑफ सेंसेस. तो यहां पर दो प्रकार के इसके बारे में बताया गया, एक तो है ब्रह्मचारी, दूसरा है गृहस्थ. तो देखिए अभी हम चर्चा करेंगे, इसी श्लोक को हम लेने वाले हैं. तो लेट मी शो यू द पावर पॉइंट. तो हमने अभी तक देखिए दो प्रकार के, ये हो गया, ये हो गया, अभी ये और ये लेने वाले हैं. तो नेक्स्ट लेट अस सी. तो वैदिक वर्णाश्रम में एक्चुअली चार प्रकार के वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, राइट. आप लोगों को पता ही होगा चार वर्ण है और चार आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास. अगर कोई बोले अरे ये सब वर्णाश्रम सिस्टम बेकार है, आजकल अगर देखेंगे विकिपीडिया और ये सब मॉडर्न डे मीडिया हमेशा गालियां देते रहते हैं सनातन धर्म को, हमेशा अरे ये सब सनातन धर्म लोग बेकार है, वी हैव डिवाइडेड द ह्यूमन सोसाइटी, व्हाई देयर शुड बी ब्राह्मणस, व्हाई देयर शुड बी क्षत्रियस, क्यों पार्शियलिटी की जा रही है, शूद्रों के साथ पार्शियलिटी की जा रही है. और आजकल स्पेशली अगर देखेंगे द टाइप ऑफ मीडिया, देखिए बिकॉज भारत में मीडिया चैनल्स का इतना बड़ा होल्ड है और उसके पीछे किनका होल्ड है, देर आर फॉरेन पावर्स हु आर कंट्रोलिंग दिस मीडिया चैनल्स, स्पेशली सम बहुत इनके पीछे करोड़ों करोड़ों फंडिंग होती है. अब वो लोग क्या करते हैं, जब भी कोई इंसिडेंट होगा वो लोग क्या करेंगे, भले ही कोई नॉर्मल इंसिडेंट है वहां पर इंसिडेंट मेंशन करेंगे, एक दलित के साथ ऐसा अन्याय हुआ, कितने लोगों ने सुना है, एक दलित के साथ ऐसा हुआ, एक दलित स्त्री के साथ ऐसा अन्याय हुआ, क्यों, जब दूसरे का कास्ट किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, व्हाई यू आर पॉइंटिंग दलित ओनली, व्हाई यू आर पॉइंटिंग दलित, दिस इज अ प्रॉब्लम विद द सोसाइटी एंड दे आर ऑल्सो व्हाट दे आर डूइंग दलितों का ये लेने के लिए, क्यों, क्योंकि दे आर द मोस्ट कॉमन टारगेट्स फॉर सॉफ्ट टारगेट्स फॉर कन्वर्शन. भारत में एक्चुअली लास्ट 1000 साल में ये चार वर्णाश्रम जो है इसका डिग्रेडेशन हुआ है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हायर कास्टों ने लोअर कास्टों का एक्सप्लॉयटेशन किया है, दैट इज अग्रीड, लेकिन इसको लेकर वर्ल्ड पीपल आर डूइंग इसी चीज के ऊपर अपनी आग ये कर रहे हैं, दे आर कुकिंग ऑन दिस फायर, व्हाट दे आर डूइंग, कन्वर्शन जब करेंगे किनका कन्वर्शन करते हैं, आंध्र प्रदेश, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट, वेर एवर यू गो दे विल ट्राई टू कन्वर्ट दोज पीपल हु आर ऑन फ्रॉम द बैकवर्ड कास्ट, क्यों, क्योंकि दे आर देयर सॉफ्ट टारगेट्स, आदिवासी लोग, इन लोगों को, क्योंकि इनको अगर कवर कर लिया फिर धीरे 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 पूरा इंडिया कब्जा करेंगे, पूरे इंडिया को डिवाइड करेंगे, सेपरेट स्टेट
ऑर्डर करेंगे, बीफ ईटिंग दिस इज आवर बर्थ राइट अधिकार, मांस खाना क्यों, क्योंकि पहला कन्वर्शन जब होता है बिकॉज दे डोंट हैव मनी, तो बाहर से फंडिंग आती है, आपको पैसा दिया जाएगा, आपको जॉब दिया जाएगा, कौन नहीं करेगा अपने लिए, एंड स्पेशली दिस इज कलयुग का, कलयुग में कुछ भी खाना पीना अगर कोई भी दे देता है, अपना धर्म क्या, अपना सब कुछ बेचने के लिए तैयार है ना, आपको प्लास्टिक राइस खिला देंगे, आपको नकली घी खिला देंगे, पैसा मिल जाए कुछ भी कर देंगे, अपना जमीर उमीर कुछ है ही नहीं। इसीलिए फिफ्थ जो रिलीजन है हमने बताया, फिफ्थ पिलर ऑफ रिलीजन इज ग्रीड, ग्रीड के चलते कुछ भी कर सकता है कोई कलयुग, एंड दे आर ऑल्सो टारगेटिंग दैट, दिस काइंड ऑफ कन्वर्शन इज दे आर हैपनिंग, और इस प्रकार से वो कोशिश करते हैं पूरा स्टेट, पूरा देश, पूरा मतलब भारत को तोड़ने की। भारतवर्ष जो हमेशा से सोने की चिड़िया रही है, पूरे विश्व के लिए उदाहरण रहा है। नाउ व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, दे आर ट्राइंग टू ब्रेक दिस कंट्री ऑन दिस थिंग्स। तो एक्चुअली दिस इज अ साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो होता था पहले के जमाने में, अरे बट अगर इसी शब्द को मैं आज नॉर्मल स्टार्टिंग में बोलता हूँ, द ब्राह्मण्स आर हु, द इंटेलेक्चुअल क्लास, अगर कोई कहे, अगर मैं सिर्फ इस इंटेलेक्चुअल क्लास अगर मैं यूज करता हूँ, लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, पोएट्स, दे आर कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, पेंटर्स है ना, पेंटिंग करने वाले, दे आर कॉल्ड इंटेलेक्चुअल क्लासेस, या फिर क्षत्रियस है ना, दे आर कॉल्ड मैनेजर्स, अगर मैं मैनेजर शब्द यूज करूँ, वैश्य मर्चेंटाइल क्लास, जो पैसे कमा रहे हैं, वैश्य कैटेगरी जिनका बिजनेस है, एंड शूद्र, दोज हु आर वर्कर क्लास, या दोज हु आर डूइंग एग्जीक्यूटर क्लास, जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अभी सुनने में लगा, अरे वाह क्या सर आपने क्या नाम बोला, कितना सुंदर सुंदर नाम लग रहा है, लेकिन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। देखिए कितने सारे यूट्यूब में इतने सारे लोग हैं हमेशा गालियां देते रहते हैं, और हम लोग ही हैं हम लोग ही ताली बजा रहे, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत, और बोल वैदिक सनातन धर्म का इतना खुल के मजाक उड़ाया जा रहा है। अरे अगर यही चीज, इन विच सोसाइटी दीज क्लासेस आर नॉट देयर, यू टेल मी, दीज आर ऑफकोर्स देयर, ये रहना ही पड़ेगा हर सोसाइटी में, हर कोई थोड़ी ना इंटेलेक्चुअल होता है, किसी को मैनेजर बनना पड़ेगा, किसी को मर्चेंटाइल बनना पड़ेगा, कोई अपनी प्रकृति के हिसाब से, जिस प्रकार के उसका नेचर है उस हिसाब से कोई कार्य कर रहा है। तो नेवर क्रिटिसाइज वैदिक वर्णाश्रम सिस्टम, पहले के समय में दैवी वर्णाश्रम था, दिस वैदिक वर्णाश्रम वाज दैवी वर्णाश्रम, क्योंकि हर एक का उद्देश्य यह रहता था कि हम किस प्रकार से विष्णु की आराधना करें, रैदर दिस होल क्लासेस वर डिवाइडेड एज विष्णुस फोर आर्म्स, ब्राह्मणास वर हेड, क्षत्रियास वर आर्म्स, वैश्य वाज बेली, एंड शूद्र वर लेग्स। लेकिन अगर कोई ऐसा कहे क्या, वी नीड ओनली ब्राह्मण्स इन सोसाइटी, सिर्फ हेड रहेगा बाकी कुछ नहीं रहेगा, अरे हेड को भी तो सर्वाइव करने के लिए, खाना पीने के लिए बाकी चीजों की आवश्यकता है, हाथ चाहिए, पेट चाहिए, पैर चाहिए, अगर पैर बोले हम सिर्फ पैर रहेंगे, सिर्फ शूद्रास और कुछ नहीं, कम्युनिस्टिक गवर्नमेंट है, सिर्फ देयर शुड बी ओनली वन क्लास, सिर्फ वन क्लास रहेगा और कुछ नहीं, अगर सिर्फ वन क्लास है, व्हाट स्टालिन इज डूइंग, व्हाई ही इज मैनेजिंग अ होल्ड पोस्ट, व्हाई दिस माओ त्से-तुंग, एंड व्हाई ये अभी चाइना का कौन है अभी पता नहीं, ही इज ऑल्सो लीडर, तो यू आर टेलिंग अबाउट वन क्लास, but you them yourself are making the, so many classes. The problem is improper understanding. Pehle kya tha, now we are telling about there should be divided, thus everything should be divided in society, but pehle yahi cheez, yahi tha concept, yahi jo communist ka concept hai, it was basically meant for Vishnu satisfaction, Krishna satisfaction. Isiliye pehle Vedic varnashram system mein jhamele nahi hote the. कलयुग जैसे जैसे डिस्ट्रॉय होने लगा है, लास्ट 1000 सालों में बहुत बुरा बर्ताव हुआ है, स्पेशली विद द लोअर क्लासेस, दिस हैज हैपेंड, इवन नाउ दिस इज हैपनिंग, इवन विद वन ऑफ माय फ्रेंड्स दिस इज हैपेंड, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं हुआ है, दिस इज हैपनिंग इन मेनी विलेजेस, बट इस चीज को गलत मत कहिए। अभी अगर कोई कहे कि ऑल पुलिस पीपल आर बैड, पुलिस खराब है, सब डॉक्टर बेकार है, यार कितने सारे डॉक्टर हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग खराब हो सकते हैं, सब डॉक्टर थोड़ी ना खराब हो सकते हैं, every doctor is not like that, ki money minded and all. Similarly, we cannot criticize the system. Usi prakar se, char ashram bhi hua karte the. Why I am coming it here, that there were four ashramas also. Brahmachari, grihastha, vanaprastha, sannyas. तो इस प्रकार के आश्रम की तरह डिवाइड किया गया था। आजकल वानप्रस्थ सन्यास तो है ही नहीं, ब्रह्मचारी आश्रम भी नहीं है, ओनली वन आश्रम इज रिमेनिंग नाउ, गृहस्थ आश्रम, वो भी गृहस्थ नहीं है, वो गृह मेधी है, गृह मेधी मतलब घर पे रहकर सिर्फ सेंस एंजॉयमेंट करना, दिस इज कॉल्ड गृह मेधी लाइफ, ओनली सेक्स सेंटर्ड लाइफ, ओनली फॉर माई एंजॉयमेंट, दैट काइंड ऑफ लाइफ इज कॉल्ड गृह मेधी। लेकिन गृहस्थ जीवन मतलब क्या,
प्रॉपरली विवाहिक जीवन रहते हुए भगवान विष्णु को देखिए, बिकॉज दिस इज वैदिक वर्ण आश्रम सिस्टम, वर्ण भी है आश्रम भी है, बोथ आश्रम, इसीलिए सोसाइटी को 8 भागों में डिवाइड किया गया था, तो आश्रम सिस्टम और वर्ण सिस्टम। तो आश्रम में भी गृहस्थ आश्रम में ही एकमात्र आश्रम था वेयर देर वॉज लाइसेंस फॉर लिमिटेड सेक्स लाइफ, नॉट अनरिस्ट्रिक्टेड सेक्स लाइफ, राइट। लिमिटेड सेक्स लाइफ के लिए एक जगह मेंशन था, ये था, और बाकी जगह ब्रह्मचारी देखेंगे, वानप्रस्थ और सन्यास, ये तीनों जगह पे, तीनों आश्रमों में कहीं पर भी सेक्स लाइफ की परमिशन नहीं है। रादर दिस गृहस्थ आश्रम विल मेंटेन ब्रह्मचारी आश्रम थ्रू देयर डोनेशंस, वानप्रस्थ एंड इवन सन्यासीज, दे वर कंसिडर्ड। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, पहले के समय में ऐसा होता था, अगर सी व्हाट काइंड ऑफ चैरिटी पीपल वर हैविंग, ऐसा कभी नहीं था कि सिर्फ अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड जीवन व्यतीत करते थे। पहले कोई अगर एक गृहस्थ व्यक्ति था, उसका अगर कार्य था जब भी लंच बनेगा, जब भी डिनर बनेगा, जब भी ब्रेकफास्ट बनेगा, वो जाके बाहर जाके अनाउंस करेगा, सुनो सुनो सुनो, अगर कोई व्यक्ति भूखा है, इफ समवन इज हंग्री, आई हैव सफिशिएंट फूड स्टफ, प्लीज कम टू माई होम, मैं आपको खिलाऊंगा। ऐसा 3 बार अनाउंस करना पड़ता था, कोई भूखा है, कोई भूखा है, कोई भूखा है। अगर कोई भूखा नहीं रहता था तब जाके घर पे आके वो खाना खाता था। ये पहले के लोग, आपको लगेगा पहले का एक गरीब व्यक्ति भी इस प्रकार का अनाउंसमेंट करके तब जाके खाना ग्रहण करता था, और आजकल के अमीर से अमीर व्यक्ति, अगर कोई बोला जाए कि इस तरह से अनाउंसमेंट करो, वी मे बी अमीर बाय आवर बैंक बैलेंस, बट वी आर गरीब थ्रू आवर हर्ट नाउडेज, बिकॉज आवर हमारा उतना कलेजा नहीं है कि हम लोग इस तरह चैरिटी कर सके। पहले के समय लोग चैरिटी करते थे, कोई भी भूखा व्यक्ति, और इसका कोई मिसयूज भी नहीं करता था, चलो भाई पूरा उसको खाने के लिए भी कुछ नहीं रखते, सिर्फ 5 घरों में भिक्षा की जाती थी। अगर कोई भिक्षा भी करता था, 5 घरों में जितना मिला उतना ही, ना कि 100 बाड़ी के बेल बजा से एक भिक्का दाओ। आजकल भिखारी लोग घर घर आके भिक मांगते हैं, ऐसा भी नहीं था। मधुकरी मतलब मधु की तरह, जैसे हनी भी हर फूल से थोड़ा थोड़ा लेता है, हर फूल का निचोड़ के नहीं लेता है। तो दोनों लोग एक तरह से, दिस वाज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, गृहस्थस वुड मेंटेन अदर आश्रम्स, इसीलिए देयर वाज अ ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इनका जीवन के बारे में अभी मेंशन किया जा रहा है, कृष्णा इज मेंशनिंग दिस काइंड ऑफ लाइफ, राइट। तो व्हाट इज दैट, द भगवद गीता 4.26, तो देखिए क्या मेंशन हुआ, श्रोत्र आदि सेंसेस सेक्रीफाइस्ड इन अग्नि ऑफ आत्मसंयम। कुछ लोग ऐसे हैं, देखिए इसमें 2 तरह के लोगों के बारे में बताया जा रहा है, ब्रह्मचारी और गृहस्थ, और इवन इन ब्रह्मचारियों में बाकी भी आ जा रहा है, वानप्रस्थ या सन्यासियों को भी इंक्लूड कर लीजिए। तो ये लोग जो होते हैं, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर आल्सो डूइंग सेक्रीफाइस, ये लोग भी यज्ञ कर रहे हैं। किस प्रकार का यज्ञ कर रहे हैं, देखिए 5 प्रकार की इंद्रियां हैं, याद है आप लोगों को, पता है, ईयर्स, स्किन, आईज, टंग, नोज, एगलो हमारे की ज्ञान इंद्रिय, जानें तो चलो ज्ञान इंद्रिय, राइट। ये हमारे सेंसेस, हम लोग कुछ ज्ञान लेने के लिए 5 प्रकार की इंद्रियां हैं। तो भगवान ने क्या बताया, देखिए श्रोत्र आदि यानी कि ईयर्स, श्रोत्र मतलब क्या हुआ, बेसिकली भगवान ने सिर्फ श्रोत्र मतलब यहां पर सिर्फ ईयर को मेंशन किया है, ही जस्ट मेंशन्ड ईयर्स। श्रोत्र का मतलब क्या होता है, कान, उन्होंने ईयर्स को मेंशन किया, राइट। और इसको किस में, कौन सी अग्नि में कोई जला रहा है, दिस इज ऑल्सो अग्नि ऑफ आत्मसंयम यानी कि माइंड कंट्रोल, अपने अंदर की अग्नि में इंद्रियां विचलित करती हैं। तो श्रोत्र आदि मतलब, जब भी यह आदि शब्द यूज हो गया, यहाँ पे स्किन भी आ गया, आईज भी आ गए, टंग भी आ गए, ऑल फाइव सेंसेस के बारे में, आदि मतलब एटसेट्रा एटसेट्रा बता दिया। ये सारी चीजों को एक ब्रह्मचारी क्या कर रहा है, व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू, और इवन अ सन्यासी, व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, दे आर ट्राइंग ऑल्सो टू कंट्रोल देयर सेंसेस इन द सेंसेस ऑफ माइंड कंट्रोल, मन की में वश करने की कोशिश कर रहे हैं। इंद्रियां भागेंगी, उनको कंट्रोल में करना है थ्रू देयर माइंड कंट्रोल। तो ये एक तरह से क्या कर रहे हैं, इंद्रियों को अंदर अग्नि में डाल रहे हैं। यहां पर भी अग्नि है, लेकिन अंदर हृदय मन की अग्नि में या संयम की अग्नि में झोंक रहे हैं, इंद्रियों को ही झोंक रहे हैं, राइट। स्पेशली यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने ईयर को मेंशन किया, हम बताएंगे क्यों ईयर्स को मेंशन किया, क्यों आई को मेंशन नहीं किया, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा एजिटेटिंग चीज तो आंखें हैं, आंखों से सबसे ज्यादा हमें एजिटेशन होता है, आंखों की दृष्टि से ही हम लोग वी सी ऑपोजिट सेक्स, ऑपोजिट जेंडर। तो वाई कृष्ण मेंशन ईयर्स, वी विल जस्ट नाउ सी। दूसरा वो कॉन्ट्रास्ट लेते हैं, व्हाट अनदर, शब्द आदि 4.26 में शब्द आदि भी यूज कर रहे हैं, सेंस ऑब्जेक्ट्स सेक्रीफाइस्ड इन द अग्नि ऑफ सेंसेस, राइट। तो सेंस ऑब्जेक्ट, देखिए यहाँ पे था सेंसेस, एक सेंसेस की सेंस ऑब्जेक्ट भी होती है, जैसे यही कान है, ये इसकी भोग करने की वस्तु क्या है,
अच्छी प्रकार की मेलोडी, एफएम में अच्छा म्यूजिक आ रहा है या फिर अच्छे फिल्मी गाने हैं, वी ट्राई टू एंजॉय थ्रू आवर ईयर्स सम नाइस म्यूजिक, या फिर स्किन, वी ट्राई टू टच सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स, सम नाइस ऑब्जेक्ट्स, दैट इज ऑल्सो वॉट स्किन का एंजॉयमेंट करती है. आंखों से हम अच्छी चीजें देखना चाहते हैं, अच्छे अच्छे चीजें, अच्छे कभी हम लोग कालिम्पोंग जाएंगे, कहीं हम लोग गैंगटॉक जाएंगे, वी वॉन्ट टू सी सम नाइस सीनरी, नाइस ब्यूटी ऑफ नेचर. तो दिस इज ऑल्सो वट अनदर थिंग. एंड इवन टंग, वी वॉन्ट टू टेस्ट समथिंग. तो टंग की सेंस ऑब्जेक्ट क्या है, टेस्ट, और नोज की सेंस ऑब्जेक्ट क्या है, स्मेल. वी वॉन्ट टू स्मेल समथिंग नाइस, समथिंग ये. तो ये भी एक प्रकार का यज्ञ है जिसमें हम इंद्रियों को भोग करने की वस्तु में न्यौछावर कर रहे हैं, इस इंद्रियों को इंद्रियों के भोग करने की वस्तु में न्यौछावर कर रहे हैं, हर प्रकार के इंद्रियों को. तो ऐसे कौन यज्ञ करता है, गृहस्थ. व्हाट दे आर डूइंग, इंद्रियों को, योनि को, लाइक योनि में यज्ञ में डाल रहे हैं, सो दैट दे गेट नाइस चिल्ड्रन, अच्छी संतान उत्पन्न करने के लिए. ये भी एक प्रकार का यज्ञ है. एक व्यक्ति वो है जो इंद्रियों को संयम करने की कोशिश कर रहा है, दूसरा व्यक्ति उसी इंद्रिय को एक और यज्ञ कुंड में डाल रहा है, वो है योनि की कुंड में, वो उस कुंड में डाल रहा है. एंड देन व्हाट ही इज डूइंग थ्रू दिस कॉन्शियसनेस दैट आई विल सर्व कृष्णा इन दिस वे. एक गृहस्थ जीवन में बच्चों को, अच्छे प्रकार के संतानों को उत्पन्न करना, भक्त को इस जीवन में, इस संसार में लाना, दिस इज ऑल्सो अ यज्ञ. दिस इज ऑल्सो कि देर आर फोर मेंबर्स ऑफ, यही हमने बताया, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, राइट. तो एक्चुअली कृष्णा इज मेंशनिंग, प्रभुपाद इज मेंशनिंग, मानव जीवन अपनी इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए नहीं है, जिस प्रकार से कोई जानवरों की तरह कोई करता है, रादर हमें संयमित रूप से अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना है. तो ब्रह्मचारी लोग क्या करते हैं, अंडर द केयर ऑफ अ गुरु, व्हाट दे डू, दे ट्राई टू कंट्रोल देयर माइंड. एंड व्हाट ही डू डज इज भगवान के बारे में सुनकर ही समझ संसार को जान लेते हैं. हियरिंग अबाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस, हियरिंग इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. देयरफॉर प्योर ब्रह्मचारी एंगेजेस इन हरेर नामानुकीर्तनम, चैंटिंग एंड हियरिंग, भगवान का नाम जपो और कीर्तन करो, राइट. तो ही रिस्ट्रेन्स हिमसेल्फ फ्रॉम द वाइब्रेशंस ऑफ मटेरियल साउंड एंड हिज हियरिंग इज एंगेज्ड इन द ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन ऑफ हरे कृष्णा हरे कृष्णा. ब्रह्मचारी का कार्य क्या है, बाहर जाके तो कमाना नहीं है, एटलीस्ट नाम जप करना और दूसरों को ज्ञान बताना, दूसरों को ये ज्ञान देना, राइट. सिमिलरली हाउस होल्डर्स, गृहस्थों का कार्य क्या है, who have some license for sense gratification. हमने बताया वो इस चार आश्रमों में सिर्फ एक ही आश्रम में जहां बताया गया है कि आप इंद्रियों की तृप्ति कर सकते हो, वो है दिस आश्रम. बट उसमें भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेक्स लाइफ सिर्फ उसका भी प्राइस पे करना है. उसमें क्या प्राइस का पे करना है, हमें भगवान की संतुष्टि भी करनी है, इस संसार में पवित्र आत्माओं को भी लेकर आना है, और बाकी तीन आश्रमों को भी मेंटेन करना है हमें, क्योंकि यही लोग हैं जो कमाते हैं, बाकी तीन आश्रम दे आर डिटैच्ड आश्रम. तो सेक्स लाइफ, इंटॉक्सिकेशन एंड मीट ईटिंग आर जनरल टेंडेंसीज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. हर व्यक्ति यही सारी चीजें करना चाहते हैं, लेकिन एक जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में है, गृह में भी जो नहीं है, ये तीन चीजें नहीं करेगा, सेक्स लाइफ, अनरेस्ट्रिक्टेड सेक्स लाइफ, इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग, ये तीन चीजें नहीं करेगा. मैरिज ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजियस लाइफ इज देयरफॉर करंट. तो ये भी एक प्रकार से यज्ञ है, राइट. दिस अनरेस्ट्रिक्टेड अनअटैच्ड सेक्स लाइफ इज ऑल्सो यज्ञ, बिकॉज द रेस्ट्रिक्टेड हाउस होल्डर सेक्रीफाइसेस इज जनरल टेंडेंसी. अपनी टेंडेंसी को क्या कर रहा है, इंद्रियों को भोग करने की जो टेंडेंसी है उसे वो भगवान में लगाने की कोशिश कर रहा है. तो इसी इस पे देखिएगा, एक भगवद गीता में एक श्लोक आता है, देयर इज अ वेरी नाइस श्लोक इन भगवद गीता 7 चैप्टर. कृष्णा सेस कामो अस्मि भरतर्षि. एक्चुअली इट इज सेड कि अगर कोई व्यक्ति सच में गृहस्थ आश्रम में रह के भगवान की भक्ति करते हुए इस संसार में रेगुलेटेड वे में भक्ति कर रहा है, और तो देन कृष्णा सेस I am sex life which is not contrary to religious principles. ऐसा sex life मैं स्वयं हूँ, क्योंकि इस प्रकार के इंद्रिय तृप्ति से भगवान संतुष्ट होते हैं. This is a regulated sex life and there are various things how this kind of sex life can happen. तो there are many other, देखिए संस्कार बहुत सारे हैं, गर्भाधान संस्कार, ये संस्कार, वो संस्कार, बहुत सारे संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार. तो गृहस्थ आश्रम में इस प्रकार के बहुत सारे संस्कार के द्वारा अच्छी आत्माओं को आकृष्ट किया जाता है कि अच्छी आत्माएं आए और भगवान की भक्ति करें. तो ये जो कॉन्सेप्ट भगवान ने बताया, ये 26 नंबर श्लोक में बताया. देखिए ये भी एक प्रकार का ग्रेडेशन है, हम देख रहे हैं ना किस प्रकार के भगवान बहुत सारे यज्ञों के बारे में बताया, राइट. तो अभी हमने बताया कि देखिए भगवान कृष्ण ने इस चीज को क्यों मेंशन नहीं किया, व्हाई ही कृष्णा नॉट मेंशनड, ही मेंशनड ओनली श्रोत्र आदि एंड शब्द आदि. देखिए श्रोत्र का वाइस वर्सा सेंस क्या है, श्रोत्र का है होता है शब्द, यानी कि कान का सेंस ऑब्जेक्ट क्या है, साउंड,
कान की भोग करने की वस्तु है ध्वनि। भगवान ने चक्षु और स्वरूप क्यों नहीं बोला, चक्षु और रूप क्यों नहीं बोला, राइट? रूप और चक्षु भी तो बोल सकते थे ना। वाई कृष्णा नेवर मेंशन दिस टू, क्योंकि अगर हम इंद्रियों अगर हम लोग फंसते हैं कहीं पर तो वी गेट अटैच्ड टू सेंस ऑब्जेक्ट्स बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स प्रोमिनेंटली। आंखों से ही तो हम लोग फंसते हैं बिकॉज एक्चुअली इस संसार में हमने बताया, देखिए इस संसार में निकालने वाली क्या है हम लोग को, अगर सेकंड चैप्टर अगर आप लोगों को याद आ रहा होगा, अर्जुन सॉ द ऑपोजिट आर्मी, उसने देखा तो देख के ही माया में फंस गया, लेकिन निकाला किसने, भगवान कृष्ण के संदेशों ने। इस संसार में जब हम फंसते हैं आंखों से फंसते हैं, लेकिन निकालने वाले क्या है, कान। भगवद गीता के संदेश, भगवान के संदेश जब हम सुनते हैं भगवान के बारे में, द रेस्क्यूअर्स आर ऑफ ईयर्स कृष्णा, दैट्स वाई विनिंगली मेंशन ईयर्स नॉट आईज। फंसाने वाले कौन है, आंखें हैं, निकालने वाले कौन है, ईयर्स, राइट? या फिर इस संसार में हम लोग सुनते हैं कि भाई इंद्रिय तृप्त बहुत अच्छा होता है, देर आर सो मेनी प्रोपागेंडा, अरे यार ये कर ले बस एंजॉयमेंट ही एंजॉयमेंट है, उसके बाद ये कर ले, ये डिग्री कर ले, उसके बाद एंजॉयमेंट ही एंजॉयमेंट है। एक्चुअली इन दिस वर्ल्ड ऑल एंजॉयमेंट इज देयर इन श्रुति सुख, सुन के ही खुशी मिलती है, हाँ मेरा बंगला होगा, मेरी गाड़ी होगी, मेरी पत्नी होगी, जब हो जाते हैं तब कुछ और प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। इन दिस वर्ल्ड वी हैव श्रुति सुख ओनली, सुन के ही सुख मिलता है, एक्चुअली जब उस जगह पे जाते हैं तो सुख नहीं है। दैट्स व्हाई कृष्णा मेंशंस दिस बिकॉज ऑफ दिस टू रीजंस, एक तो ये कि बॉन्डेज, ईयर्स आर द कॉज ऑफ लिबरेशन, सेकंड ऑल हैप्पीनेस इज इन इन इस सुन के ही इस संसार में खुशी है, श्रुति सुखी है संसार में। एक्चुअली अगर सुख चाहिए हमें, इसलिए इस हियरिंग एस्पेक्ट को भगवान ने कोशिश किया, भगवान ने पॉइंट आउट करने के। तो बेसिकली दिस प्रिंसिपल ऑफ सैक्रीफाइस, यहाँ पर भी हमने देखा दोनों व्यक्ति सैक्रीफाइस करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी व्यक्ति सैक्रीफाइस कर रहे हैं, सिर्फ सुन के ही वो कोशिश कर रहे हैं भाई इंद्रिय तृप्ति में नहीं फंसूंगा, भाई माया बहुत परेशान करने वाली है, ये सिर्फ शास्त्रों को सुनते हैं और अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये लोग शास्त्रों को सुनते भी हैं लेकिन एक्सपीरियंस भी करना चाहते हैं, भाई ठीक है मैं एक्सपीरियंस भी करना चाहता हूँ, ठीक है लो बुक तो या ये करो। तो इन दैट वे कृष्णा गिव्स, दिस इज ऑल्सो सैक्रीफाइस, बट हियर एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज देयर, this is also sacrifice, but there just by hearing learning through hearing, bhai phaso mat bas bhagwan ki bhakti karo। to ye do prakar ke yagyo ke bare mein bataya, lekin dono ka uddeshya yahi hai bhagwan ko arpit karna। kuch log hain jo sun ke samajh jate hain, kuch log hain sunne ke baad bhi nahi samjhenge, unko experience karna hai, aur experience karne ke baad jab sab tarah se ha sun ke suna tha experience bhi kar liya, bhai sansar mein kuch sukh nahi hai, sirf bhagwan ke charan kamalon mein sukh hai, tab jaake koi bhagwan ki bhakti karta hai। तो ये देर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल हु ट्राई टू नो अबाउट स्पिरिचुअल साइंस, वन पर्सन इज जस्ट बाय लिसनिंग, अनदर पर्सन ही वांट्स एक्सपीरियंस, बेस्ट वन इज बाय लिसनिंग ओनली, इफ वी कैन अंडरस्टैंड दैट इज बेस्ट, बट समटाइम्स वी नीड एक्सपीरियंस टू मेक आवर सेल्फ मोर कन्विंस्ड, कन्विक्शन लाने के लिए कभी कभी एक्सपीरियंस चाहिए, तो ऐसे लोग भी हैं। तो ये दो प्रकार के यज्ञों के बारे में 27 में बताया भगवान। नाउ स्लाइड विजिबल नहीं था क्या आप लोगों को? अभी लास्ट वाला विजिबल हुआ? सॉरी आई कुड नॉट सी। लास्ट वाला विजिबल था? ओके ठीक है, थैंक यू। नेगेटिव ओके, एनीवेज आप लोगों को समझ में आ गया, सुन के भी समझ में आ गया, वही मैं बता रहा हूँ, सुनिए देखिए ठीक है, सुनने से भी समझ में आ जाएगा। नाउ लेट्स गो टू 28th number verse. तो अभी बहुत ट्वेंटी सेवन नंबर वर्स। सर्वाणि इंद्रियाणि कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम्य संयम्य यो अग्नौ जिह्वति ज्ञानदीपिते। तो 27 नंबर श्लोक में भगवान बता रहे हैं अदर्स, देखिए हर जगह भगवान बोल रहे हैं, देखिए भगवान किसी को भी ओपिनियन अपना नहीं बोल रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे भी हैं। तो वहां पर देखिए चा अपरे, ये जो अपरे शब्द है उसका मतलब है अदर्स, ऐसे भी कुछ लोग हैं जिसके मैं और बता रहा हूँ। कृष्ण किसी को पर्सनली बोल नहीं रहे ये कर अर्जुन, बेटा ये कर, नो ही इज जस्ट मेंशनिंग, ही इज जस्ट गिविंग अ स्पेक्ट्रम ऑफ वेरियस सैक्रिफाइसेस, इस प्रकार के इतने सारे यज्ञ होते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं थ्रू द कंट्रोल ऑफ माइंड एंड सेंसेस, व्हाट दे डू दे ऑफर द फंक्शन ऑफ ऑल द सेंसेस एंड ऑफ द लाइफ ब्रेथ एज ऑब्लेशंस इनटू द फायर ऑफ कंट्रोल्ड माइंड। देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं, ना केवल मन और इंद्रियों को, हमने बताया ब्रह्मचारी है जिस सिर्फ इंद्रियों को मन में डालते हैं, लेकिन ये लोग एक स्टेप और आगे हैं, ये लोग योगी हैं और भी हायर क्लास ऑफ योगी हैं। व्हाट काइंड ऑफ योगी दे आर आप लोगों को समझ में आ गया, ये कौन से प्रकार के योगी हैं,
तो ये कौन से योगी हैं, ये जो पतंजलि वाला आपको दिख रहा है स्लाइड में, ये सेल्फ कंट्रोल, अभी ये 27 नंबर श्लोक है, दिस इज मेंशनिंग अबाउट पतंजलि सिस्टम ऑफ योगा, जिसमें वो क्या कर रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग, सेंसेस प्लस लाइफ एयर, इंद्रियों को तो झोंक रहे हैं, प्राण वायु को भी झोंक रहे हैं, मन को भी झोंक रहे हैं, किसमें झोंक रहे हैं, ऑन इन द फायर ऑफ सेल्फ कंट्रोल। गृहस्थ लोग क्या कर रहे थे, सेंस ऑब्जेक्ट्स एंड सेंसेस, ब्रह्मचारी सेंसेस को मन में, मन की संयम की अग्नि में डाल रहे थे, ये लोग एक स्टेप और आगे हैं, सेंस ऑब्जेक्ट्स को भी डाल रहे हैं, सेंसेस को भी डाल रहे हैं, मन को भी डाल रहे हैं, वेयर इन सेंस कंट्रोल, और साथ ही साथ प्राण वायु को भी डाल रहे हैं। तो यहां पर तो ये एक स्टेप और आगे हैं। तो व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड, देखिए इन द योग सूत्र ऑफ पतंजलि द सोल इज कॉल्ड प्रत्येक आत्मा और पराग आत्मा, एज लॉन्ग एज तो बेसिकली अगर हम यहां पर देखेंगे, दे आर कॉल्ड द फंक्शंस ऑफ प्राणवायु, हम जो भी इस संसार में कार्य करते हैं, हमारे शरीर में 10 प्रकार की प्राणवायु होती है। तो प्रभुपाद जी ने कुछ प्राणवायु के बारे में यहां पर मेंशन किया है, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, 5 प्रकार के बारे में बताया है, ठीक है। तो एक्चुअली कुछ भी हम कार्य कर रहे हैं, हम किसके द्वारा कार्य करते हैं, वी आर नॉट डूइंग जस्ट बाय अवर सेंसेस, इस संसार में हम कोई भी कार्य करने वाले होते हैं, आपके सामने अभी क्लियर हो जाएगा। लेट्स गो अहेड विद आवर स्लाइड्स। तो जब भी, आज बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है ये वाला, तो देखिए हमारे शरीर में आत्मा है, राइट, ये आत्मा है, ठीक है, अभी आत्मा दिखती है क्या, नहीं दिखती है, लेकिन इस आत्मा, दिस इज मैटर, दिस इज स्पिरिट, बट आवर बॉडी इज मैटर, राइट, देयर इज अ म्यूचुअल इनकम्पैटिबिलिटी। बहुत बार आप लोगों ने ये प्रश्न पूछा था कि आत्मा और शरीर दोनों, आत्मा स्पिरिट है और मैटर तो हमारा ये सारी चीजें हैं, भौतिक वस्तु है, तो ये दोनों एक साथ बंधे हुए कैसे हैं, हाउ दे आर कनेक्टेड टूगेदर, राइट। तो इसके बीच में कुछ सॉफ्टवेयर काम करते हैं भगवान के, इस हार्डवेयर को इस हार्डवेयर के साथ कनेक्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर लगाया भगवान ने, जैसे कंप्यूटर में एक मैं जो यूज कर रहा हूँ, इसमें एक सॉफ्टवेयर भी है, इसमें हार्डवेयर भी है, कुछ चीजें हैं जैसे एमएस डॉस, एमएस ये, वो सारी दिखते नहीं है कहाँ पे, दीज आर आवर प्रोग्राम्स, वो दिखती नहीं है बट हैं, लेकिन जो हार्डवेयर मतलब क्या, सीपीयू, लैपटॉप, माउस, ये सारी चीजें हैं, ये दीज आर कॉल्ड हार्डवेयर, ये शरीर हमारा हार्डवेयर के समान है, लेकिन इसके पीछे भी एक सॉफ्टवेयर है। अनफॉर्चुनेटली आजकल जो मेडिकल साइंस है, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द हार्डवेयर एस्पेक्ट ओनली, कि चलो ये केमिकल, अरे ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है, चलो स्टेरॉइड दे देते हैं, या फिर इंट्यूबेट कर देते हैं, वेंटिलेशन में डाल देते हैं, या फिर कुछ वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर, वेसो डायलेटर, हम लोग कुछ मेडिसिन देते हैं ताकि लंग्स थोड़ा डायलेट हो जाए, हमारे जो नालियां हैं थोड़ी बड़ी हो जाए, इस तरह से बहुत सारे केमिकल्स देते हैं, बिकॉज आवर कॉन्सेप्ट इन मेडिकल साइंस इज जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू ग्रॉस थिंग्स। आप अगर एनाटोमी में पेट पीठ काटोगे, कहीं पर भी आपको ये 8 चक्र नहीं, ये हमारे जो चक्रास हैं, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, ये सब चक्र दिखते नहीं है, बोले अरे दिखते नहीं है, बट दे आर देयर, आयुर्वेद में या फिर हमारे शास्त्रों में, पतंजलि योग सूत्र में ये सारी चीजों को बताया गया है, किस प्रकार से कुंडली को रेज करना है, हम लोग वही तो करते हैं, करने की कोशिश करते हैं जब योगा करने, योगा के बुक्स में आप लोगों ने देखा होगा, हाउ दीज आर कनेक्टेड, देयर इज अ कनेक्शन, हाउ दीज आर कनेक्टेड, आत्मा इज कनेक्टेड विद सटल बॉडी, आप लोगों को पता है देयर इज अ ग्रॉस बॉडी, देयर इज अ सटल बॉडी, सटल बॉडी में माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो है, राइट, लेकिन माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, मन, बुद्धि, अहंकार, ये भी भौतिक पदार्थ है, जिस प्रकार से ग्रॉस बॉडी एक तरह से ये जो शरीर है ये ग्रॉस है, और थोड़ा लेस ग्रॉसर है मन, बुद्धि, अहंकार, बट ये भी एक प्रकार से भगवान की प्रकृति का ही एक चीज है। इस आत्मा को सटल बॉडी से कनेक्ट करने वाली होती है प्राण वायु, प्राण की जो वायु है, ये जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें आपको दिख रही है, आत्मा क्या करती है, इट इज फ्लोटिंग इन द रीजन ऑफ वेयर, आत्मा कहां पर फ्लोट कर रही है, आत्मा हृदय के रीजन में फ्लोट कर रही है। हम लोग अगर हम देखेंगे, वी आर फ्लोटिंग इन द रीजन ऑफ हार्ट, आत्मा कौन से स्थान पे, हार्ट पे, अभी वहां से देर आर सो मेनी कनेक्शंस। अभी अगर आप देखेंगे यज्ञवल्क्य संहिता, अगर देखेंगे या बहुत सारे शास्त्र हैं, आप कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ हमारे मेडिकल साइंस में सब चीजें एडवांस्ड वे में दी गई है, ऑफ कोर्स मेडिकल साइंस इज आल्सो एडवांसिंग, देयर इज नो डाउट, इतने सारे टफ टफ डिजीजेस के ट्रीटमेंट के लिए क्योर भी निकाल रही है मेडिकल साइंस, सीटी स्कैन, एमआरआई, बहुत सारी चीजें हैं,
लेकिन पतंजलि योग सूत्र, बाकी सारे योग सूत्र अगर देखेंगे, या फिर आप यज्ञवल्क्य संहिता में देखेंगे, देर इट इज मेंशन हमारे शरीर में कितनी हड्डियां हैं। देर इज अ मेंशन कि ये हड्डियां हैं, ये हड्डियां हैं, इतने शरीर में इतने सारे हड्डियां हैं, इतने सारे लिगामेंट्स हैं। देर इज अ मेंशन। और तो और वहां पर अनेक जन सुने हमें ना, हमारे शरीर में 60,000 नाड़ी थके, क्यों क्यों सुने 60,000, देर 60-70,000 नाड़ीज आर देर, बहुत लोगों ने सुना होगा। अब नाड़ी मतलब क्या है? नाड़ी ना, तो ये नाड़ी मतलब क्या है? दिस इज आवर, ये हम लोग डॉक्टरी में सिर्फ ये पल्स देखते हैं, दिस इज ऑल्सो मेन नाड़ीज, वन ऑफ द प्रोमिनेंट नाड़ीज आर देर। देर आर एनर्जी चैनल्स, एक्यूप्रेशर, व्हाट दे डू, हमारे शरीर में बहुत सारी प्रवाह करने वाली, शक्ति प्रदान करने वाली वाहिकाएं हैं जिसके द्वारा हम कार्य करते हैं, जिसके द्वारा प्राण वायु कार्य करती है पूरे शरीर में। सेंटर यहाँ पे है, पावर हाउस यहाँ पर है, लेकिन इसको कनेक्ट करने वाली क्या है? बहुत सारी सटल प्रवाह का मतलब चैनल्स है। अभी ये एक्यूप्रेशर में क्या करते हैं, अगर कोई पॉइंट खराब है आपका, कुछ हो गया, चे जो वो कभी कभार यूज करते हैं, चे एनर्जी या ची एनर्जी, समथिंग लाइक दैट, या फिर इवन इन सो मेनी सटल ऑकल्ट बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं जहां पर हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी को क्योर करने की थ्रू आवर मेंटल वाइब्रेशंस लाइक दैट। तो ये सब कैसे हो रहा होता है? वी आर ट्राइंग टू रेक्टिफाई देयर प्राणवायु। कहां पर अगर डिस्टर्बेंसेस, स्पेशली तीन जगह सबसे ज्यादा प्राणवायु की ग्रंथियां हैं, रेकी रेकी, यस चिरंजीत, आई वॉज फॉरगेटिंग दैट वर्ड, रेकी रेकी में भी हम लोग वही करने की कोशिश करते हैं, चैनलाइजिंग दिस प्राणवायु, सही प्रकार से फ्लो सही अगर हो गया सब सही हो जाएगा। तो एक्यूप्रेशर इज ऑल्सो लाइक दैट। तो उसमें हमारी तीन ग्रंथि है, यज्ञवल्क्य संहिता मेंशंस, देयर आर थ्री ग्रंथिस, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रंथि, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल इज इन ब्रेन, अनदर इज इन हार्ट, तीसरा है हमारी नाभि में, क्योंकि नाभि से भी अभी नाभि जब मेडिकल साइंस में तो यार नाभि के अंदर होता क्या है यार, देख लेता हूँ, काट कूट के पूरा निकाल लिया, कुछ नहीं है, दिस इज जस्ट अ मस्कुलर टिश्यू और सम एकदम मतलब मां से जो हमारा कनेक्शन था, इट वॉज अ मेन कनेक्शन, बट नाउ इट इज अ रेमनेंट, इधर कुछ नहीं है, आप एनाटॉमी बॉडी काट लो कुछ नहीं दिखने वाला, जस्ट सिंपल एक मस्कुलर टिश्यू। बट शास्त्र से कि यहाँ पर भी हमारी शक्ति है, इसीलिए बहुत बार बहुत लोग बोलते हैं कि जब शरीर जलाया जाता है तो नाभि के एरिया में जाके सब कुछ सिकुड़ जाता है, वो जलता नहीं है, जो भी है थोड़ा बहुत वहां पर आके एवरीथिंग कम्स, पूरा बॉडी वहां पर आके इंटेस्टाइन्स वहां आके सिकुड़ जाती है, देयर इज अ मेंशन। तो ये तीन स्थान जो है हमारे एनर्जी सेंटर्स है, दे आर कनेक्टेड थ्रू अवर प्राणवायु इन अवर हार्ट। तो अभी प्राणवायु कितने प्रकार की है? तो ये प्राणवायु देर आर मेनी टाइप्स, तो प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान। तो अगर हम देखेंगे ये हर प्रकार के बॉडी को भिन्न भिन्न प्रकार से अगर विभाजित किया जाए तो भिन्न भिन्न प्रकार से ये पांच प्राणवायु हमारे शरीर में प्रवाहित हो रही है। उदान किसके लिए? देखिए नाभि से नीचे एक वायु गई है जो हमें क्लियरिंग करवाना, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट आर दिस फाइव प्राणवायु आर देयर, लेट्स सी। तो देयर आर फाइव प्राइमरी प्राणवायु एंड फाइव सेकेंडरी प्राणवायु। तो प्राइमरी जो है हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले प्रकार का प्राण का नाम है प्राण, ठीक है। तो उसका कार्य क्या है? ये हमारे हृदय में रहती है, मेन हमारे हृदय के बाहर रहती है, उसका कार्य है श्वास क्रिया को नियंत्रित करना, ब्रीदिंग। दूसरे का नाम है अपान, अपान आपके सामने कहाँ है ये, तो अपान इसका कार्य क्या है? हमारे शरीर की गुदा के स्थान पर रहती है, एनस के स्थान पर रहती है, और साथ ही साथ क्या करती है, इसके द्वारा ही हम मल मूत्र का विसर्जन करते हैं, डिफिकेशन। थर्ड इज व्यान, व्यान इसका कार्य क्या है? यह वह वायु है जो पूरे शरीर में रहती है, ऑल ओवर द बॉडी, और वो साथ ही साथ रक्त संचार को नियंत्रित करती है, राइट। इसके अलावा फोर्थ प्रकार का वायु है जिसका नाम है समान, समान का कार्य क्या है? दिस स्टेज इन आवर नाभि, ये हमारे नाभि में रहती है तथा वात, पित्त और कफ को संतुलित करती है और शरीर से पसीने को बाहर करती है। इसके अलावा जठराग्नि, जठराग्नि के लिए भी मेन इंपॉर्टेंट है। एंड अनदर इज उदान, उदान क्या है? वह वायु जो हमारे कंठ के मध्य भाग में रहती है तथा भोजन को निगलने तथा कंठ से आवाज निकालने में सहायता करती है। तो ये पांच उदान हमने सब प्रकार के बारे में बताया। इसके अलावा पांच और वायु है जिसका, दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी प्राणवायु, दे आर नॉट प्राइमरी, ये लोग इनका फंक्शन थोड़ा डिफरेंट है। व्हाट आर दे? अनदर इज नाग, ये जो नाग, नाग का कार्य क्या है? जो ढकार डालते हैं, ढेकुर हमारा तो ना ढकार है ना, मुंह से ढकार उठाती है, तो दिस इज ढकार, जब पेट में भोजन पूरा हो जाता है तब हम ढकार निकालते हैं, और खराब ढकार जब विकृत हो जाएगा, पेट खराब है तब खराब ढकार निकलती है। सातवा जो है दिस इज कूर्म, कूर्म का कार्य क्या है? ये हमारे शरीर को फैलाता है, अंगड़ाई लेते हैं, तो
अंगड़ाई या फिर सिकुड़ना, बॉडी को सिकुड़ने में, फैलाने में, सिकुड़ने में हम कार्य करते हैं। तीसरा है, जो तीसरा सेकेंडरी जो प्राणवायु है, दिस इज कॉल्ड देवदत्त। देवदत्त का कार्य क्या है, हम जम्भाई लेते हैं, जम्भाई, कभी निद्रा, नींद या तंद्रा उत्पन्न होती है, तो ये सब जम्भाई या इस तरह के, ये सब सेकेंडरी प्राणवायु है। नवा जो प्राणवायु है उसका नाम है क्रिकर, क्रिकर। तो ये हमारा दिस इज अनदर प्राणवायु, इसके द्वारा हम भूख प्यास, हंगर, वी फील हंगर। एंड टेंथ प्राणवायु इज कॉल्ड धनंजय। ये धनंजय, ये किसका कार्य क्या है, यह वायु जो मृत्यु के बाद भी रहती है शरीर में और शरीर में लचीलापन लाती है, फ्लेक्सिबिलिटी। तो इस प्रकार के, मतलब दिस इज हमारे बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए धनंजय कार्य करती है। तो बेसिकली यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कुछ प्रकार के योगी लोग हैं जो इस प्रकार से शरीर को नियंत्रित करते हैं। नियंत्रित करते हैं क्या, इवन दिस प्राण वायु को क्या, किसमें, दे आर ऑल्सो डूइंग सेक्रीफाइस। पंच प्राण अगर हम देखेंगे, बट दे आर डूइंग, दे आर ट्राइंग टू डू सेक्रीफाइस ऑफ, senses plus life air, they are trying to control in their sense self control। आत्म संयम की अग्नि में ये प्राण वायु को भी झोंक देते हैं, इतनी इनकी शक्ति है कि ये इस प्रकार के लोग हैं। बहुत लोग हैं, मैं अभी बताऊंगा, एग्जाम्पल दूंगा कैसे कैसे लोग हैं इस प्रकार के। तो जैसे अगर उदाहरण देंगे, देखिए अगर मैं एक एग्जाम्पल दूंगा फॉर माई सेल्फ इन प्राण वायु कितने, जो मेरा, मैंने पहले भी आप लोगों को शेयर किया था ये स्टोरी। मैं जब मेडिकल ड्यूटी में था, एक बार नर्सिंग होम में ड्यूटी करते करते एक सिस्टर आके बोलती है, रात को 4:25 हो रहे थे, तो सिस्टर आके बोलती है, आया आके बोलती है कि बोलती है कि अरे एक पेशेंट शायद एक्सपायर कर गया, लंग कार्सिनोमा का पेशेंट था और समझ में आ रहा था कि विल नॉट सर्वाइव। तो सुबह मैं 4:25 यार नींद सो रहा हूँ, अभी ड्यूटी में बुला लिया, चलो जाता हूँ। जाने के बाद वहां पे जाके देखा, देयर वाज नो साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ लाइफ, कुछ नहीं था शरीर में, एवरीथिंग वॉज डेड। जैसे मैं लकड़ी पे अगर स्टेथो रखूं, कुछ नहीं सुनाई देगा, वैसा था कुछ, नो हार्ट बीट्स, बट बॉडी वॉज वॉर्म। तो सीम दैट अभी बॉडी छोड़ा है, और पता नहीं वो आया भी लगता है बैठी रहे, मतलब जो लोग बैठे, वो लोग बैठे रहते कब छोड़ेगा, कब छोड़ेगा, कब छोड़ेगा, एकदम एग्जैक्ट मोमेंट में मुझे बुलाया, ज्यादा देर नहीं हुआ था उनका शरीर छोड़ेगा, शायद 5 मिनट ही हुआ होगा, 4:20 में शायद छोड़ा होगा, 4:25 में मैं पहुंचा हूँ। अभी मैं उसके चेस्ट में स्टेथो लगाया, कान में सुन रहा हूँ, सुनते कुछ नहीं है, तो डिक्लेयर तो करना है कि द पेशेंट सीन डेड। डिक्लेयर करने के लिए मेरे को सारे लाइट रिफ्लेक्स वो सब भी देख लिया, लाइट का रिफ्लेक्स आ रहा है कि नहीं, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है कि नहीं, ब्रेथ साउंड है कि नहीं, हार्ट साउंड है कि नहीं, नथिंग। तो उसका चेस्ट के ऊपर मैंने रखा ही हुआ था और सुनाई दिया मुझे, तो मुंह से उसके, मतलब उस व्यक्ति के इस तरह से आवाज आया, तो ही एक्सहेल्ड। तो मेरे को लगा मैं शायद देखने में गड़बड़ कर रहा हूँ, मेरे को लगता भूत तो आगे क्या हो गया पता नहीं, तो सुनाई भी तो दिया, टू सेंसेस कैन नॉट गो रॉन्ग इन सच सिमिलर साइमल्टेनियसली, सुनाई भी दिया, दिखाई भी दिया कि ही एक्सहेल्ड, ही वॉज डेड कम्प्लीटली, बट वो लास्ट समय में प्राण वायु उसकी छूटती हुई, मतलब ऑफकोर्स आत्मा तो निकले हुए दिखेगी नहीं, बट ही ब्रीथ हिज लास्ट। हम लोग बोलते हैं ना दैट पर्सन ब्रीथ हिज लास्ट, वट इज दैट प्राण, दैट इज एक्चुअली प्राण वायु। लास्ट में जो हम लोग कोई वायु छोड़ते हैं उसके द्वारा आत्मा, एक्चुअली आत्मा बहुत सारे द्वारों से निकल सकती है, अपर गेट्स आर देयर, टू आईज, नोज, माउथ, और लोअर गेट्स आर ऑल्सो देयर, टोटल 9 द्वार हैं। लोअर गेट से जाएंगे तो लेसर डेस्टिनेशन मिलेगा, ऊपर के गेट से जाएंगे तो बेटर डेस्टिनेशन मिलेगा। भगवान के भक्त या कुछ हैं तो देर लिव देयर बॉडी थ्रू हायर, मतलब थ्रू हायर गेट्स। तो उसने मुख से ये छोड़ा तो मुझे दिखा भी, और ये इट वॉज लिटिल एयर, तो शायद 5 ml भी नहीं होगा, 5 ml 10 ml इतना शायद इतना क्वांटिटी होगा, बट इट वॉज देयर। तो दिस काइंड ऑफ प्राण वायु, ऑफकोर्स आई हैड दिस एक्सपीरियंस, वो दैट्स आई वॉन्टेड टू शेयर। ऐसे लोग क्या करते हैं, पतंजलि के योग सूत्रों को मिलाकर इस प्रकार के यज्ञ करते हैं, इस प्राण वायु को भी तिलांजलि दे देते हैं, दे ऑल्सो डू यज्ञ। तो इसी प्रकार का यज्ञ अगर हम देखेंगे, शमिक मुनि ने भी इस प्रकार की समाधि दी थी। शमिक मुनि पता है कौन थे, शमिक मुनि जितने लोगों ने भागवतम पढ़ा है, परीक्षित महाराज एक समय जाते हैं एक व्यक्ति के पास, मतलब भाई प्यास लगी है, जंगल में शिकार करने आया था, थोड़ा पानी दे दो, और वो शमिक मुनि एकदम ध्यान लगा रहे थे, कुछ टस से मस नहीं हो रहे, वो बोल रहे भाई पानी दे दो, प्यास लगी है, मैं राजा हूँ, इंद्रप्रस्थ का राजा हूँ, मुझे पानी दे दो। He was not listening. Immediately, हिला रहे डुला रहे, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा, He was in समाधि। तो इस प्रकार के, ऐसे प्रकार के लोग हैं कि इस प्रकार से समाधि लगाते हैं कि प्राण वायु को भी, इसको भी, सबको एकदम अंदर लीन कर देते हैं, कुछ सेंसरी स्टिमुलस उनको समझ में नहीं आता है। लास्ट में आके परीक्षित महाराज ने उनको सांप, मरा हुआ सांप, ऑफकोर्स ये भगवान की लीला थी, उन्होंने क्यों किया
क्योंकि श्रीमद भागवतम का जन्म होने वाला था, अंत समय में परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी भागवतम सुनाने वाले थे, लेकिन समा उन्होंने सेंस परसेप्शन भी दिया, टच टच का भी सक्सेस, मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया तब भी उनको समझ में नहीं आया। तो ये ऐसे लोग हैं, तो वो सेंसेस को तो डाल ही रहे हैं, सेंसेस के ऑब्जेक्ट्स को भी डाल रहे हैं और साथ ही साथ प्राणवायु को भी आहुति डाल रहे हैं आत्मसंयम के अग्नि में। तो ये शमिक मुनि इस प्रकार के योगी थे, पतंजलि के योग सूत्र को फॉलो कर रहे थे। इसी प्रकार से अगर एक और उदाहरण देखेंगे हम, जैसे अगर हम देखेंगे श्रीमद भागवतम में ही उदाहरण आता है ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज ने किस प्रकार की तपस्या की, इट इज मेंशन देयर। ध्रुव महाराज ने भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए भी इसी प्रकार की तपस्या की, बहुत कठोर तपस्या थी। उन्होंने क्या किया, पहले महीने में व्हाट ही डिड, पहला एक महीना वो क्या करते थे, हर तीन दिन में बेर के फल खाते थे, सिर्फ बेर के फल खाए, तीन दिन के बाद थोड़े से बेर खाए, फिर तपस्या में बैठ गए, फिर तीन दिन बाद बेर के फल खाए, फिर तपस्या में बैठ गए। पहला एक महीना, यानी कि शायद एक महीने में दस ही बार बेर के फल खाए। फिर दूसरे महीने में उन्होंने तपस्या और थोड़ी कठिन की, उन्होंने क्या किया दूसरे महीने में व्हाट ही डिड, हर छह दिन में व्हाट ही वाज डूइंग, सूखे पत्ते, ड्राई लीव्स ही वाज जस्ट टेकिंग, हर सिक्स डेज इस तरह से वो तपस्या करने लगे। तीसरे महीने में हर नौ दिन में वो क्या करते थे, एक बार पानी पीते थे, एक बार पी लिया बस, तीन नौ दिन में फास्टिंग, उसके बाद फिर मतलब ऐसे करते फिर ध्यान में बैठ जाते थे, ध्यान करते करते फिर नौ दिन बाद ब्रेक लिया, इस तरह से पानी पिया, फिर पानी फिर इसमें लग गए। चौथे महीने में वो 12 दिन में एक बार क्या किया उन्होंने, दिस इज रियली डिफिकल्ट, आपको अगर बोला जाए स्पेशली इस काल में आपको बोला जाएगा कि 20 सेकंड आपके अगर आपने होल्ड करके रख लिया, आपके फेफड़े स्वस्थ हैं, आपको बोला जाए कि 20 दिन अगर किया जाए बस अरे बोल हालत खराब, राइट। तो अगर ध्रुव महाराज ने इस प्रकार की तपस्या की, धीरे 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 वो तपस्या के ग्रेडेशन को बढ़ा रहे थे, चौथे महीने में जाके वो 12 दिन में एक बार सांस ले रहे थे, प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग तपस्या। फिर पांचवें महीने में उन्होंने पूरी सांस को भी रोक लिया, बस सांस ले बंद ही कर दिया सांस लेना। छठवें महीने में इतनी तीव्र प्रतिज्ञा हो गई, उनकी तपस्या हो गई कि एक पैर पे वो खड़े हो गए, जमीन धस गई उधर की, पूरे एज इफ पूरे ब्रह्मांड का भार जमीन धरती माता पे आ गया। सब देवताओं ने बोला भाई भगवान विष्णु आपकी तपस्या कर रहे हैं, वो बालक जाइए उसके दर्शन दीजिए। उसके बाद छह महीने के बाद भगवान विष्णु ने उनको दर्शन दिया। तो ये भी एक प्रकार के एक तरह से ये है कि उन्होंने श्वास की गति रोकी, पूरे ब्रह्मांड की वायु भी उन्होंने खींच ली। एक बार जो उन्होंने पांचवें महीने छठवें महीने में जो ऐसा कार्य किया, एक पैर में खड़े होकर ऐसे ओम नमो भगवते ओम नमो नारायणाय करके वो बुला रहे थे भगवान को, तो ऐसा किया पूरे ब्रह्मांड की वायु ले ली उन्होंने। आप सोचिए अगर प्राण वायु चले जाए, हम लोग कॉन्स्टिपेशन, पूरा कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, पानी ना तो हम लोग यूरिन पास कर सकते हैं, ना बात कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। स्पेशली ये जो वात है, कफ पित्त वात, हमारे शरीर में वात जो है दैट रिप्रेजेंट्स वायु तत्व ऑल्सो। हमारी कोई भी एक्टिविटी करवानी है, ऑफकोर्स नर्वस कंडीशन कंडक्शन तो हो ही रही है, लेकिन ये सारी चीजें दीज आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ वायु। ये जो भी हम एक्टिविटी करते हैं शरीर में वायु की एक्टिविटी से, इसीलिए कभी कभी जब वायु का रोग होता है, वात का रोग होता है, इसलिए जोड़ों में दर्द, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीजें वात के रोग की वजह से होती है। इसलिए वात का नाश करने के लिए बहुत बार बोला जाता है तेल का लेप लगाइए, घी पीजिए, ज्यादा करके ल्यूब्रिकेट कीजिए शरीर को, ताकि ये सारे बदन के दर्द, ये दर्द वो दर्द आपके वात के नाश करेंगे। तो ये मैं एक्चुअली फंडा बता रहा हूँ, लिटिल बिट फंडा, आई एम ऑल्सो नॉट मच नोइंग, बट आई एम जस्ट नोइंग व्हाट आर ऑल आर डिटेल्स, राइट। तो ये इस प्रकार के जो योगी होते हैं, ये लोग भी संयम कर रहे हैं, ये लोग भी कार्य कर रहे हैं, ये लोग भी यज्ञ कर रहे हैं, ये लोग भिन्न प्रकार का यज्ञ कर रहे हैं। इस प्रकार का डिटेल्ड में सारी प्राणवायु को भी उन्होंने अंदर समाहित कर दिया। आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते, ज्ञान की अग्नि में, ज्ञान दीपिते में उन्होंने अपने आप को ये किया। सो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्क्राइब टिल नाउ। तो वी टुक ऑलमोस्ट 3 श्लोकास टुडे, तो 28 हम लोगों ने 25 26 27 ये 3 श्लोक लिए हैं आज। नेक्स्ट डे वी विल टेक फ्यू मोर श्लोकास, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीक के लिए हम लोग देखते हैं 28, 29, 30 हम लोग कोशिश करेंगे। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है पढ़ के आइएगा, कारागारा पढ़े हैं आज के, कारागारा पढ़े हैं। ओके शारदा जी, सुलक्षणा माता जी, थैंक यू थोड़ा फॉर शोइंग, जयंत प्रभु, जयंती माता जी एंड वन सेकेंड, और भी बहुत सरस्वती माता जी, विक्रम प्रभु, थैंक यू। तो नेक्स्ट वीक पढ़ के आएंगे तो और भी सुविधा होगी। होप अगर कोई किसी का टीका आप ती है 108, आपका पता नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा, हु आर यू 108 तो भगवान का नाम है। तो यस ऋचा माता जी, थैंक यू फॉर, तो आप लोग रीनेम कर सकते हैं अपने आप को। तो सबका मैं धन्यवाद करूंगा, आज जितने भी लोग हैं, वेडनेसडे है, वीकडे है, और
मैं आशा करता हूँ आपकी भी प्राण वायु स्वस्थ रहे इस कोविड काल में, सब स्वस्थ रहे, सब ठीक प्रकार से रहे, एंड हैव अ हैप्पी हेल्दी लाइफ। अगर किसी का प्रश्न है यू कैन आस्क, और एल्स वी विल, अच्छा किसी का कोई प्रश्न है तो हाथ उठा सकते हैं, या तो फिर हाथ ये कर सकते हैं, हाथ तुलते कारो जो प्रश्न आछे আমি আনমিউট করছি, যদি আপনার প্রশ্ন থাকে আপনি বলতে পারেন। মাতাজি প্রশ্ন আছে কি আপনার? জয়ন্তী মাতাজি বা শারদাজি কিছু আমি ইয়াপে সমঝ মে নেই আ রে, আপনার কোনো হ্যান্ড রেস কিয়া ইয়া ক্যা কিয়া? ঠিক আছে, তো ওকে আপ লোগো কো সবকো মে আনমিউটিং রাইটস দে রহা হুঁ, আগার আপকে কুছ প্রশ্ন হ্যায় ইউ ক্যান আস্ক। এনিওয়েজ আই থিংক হরে কৃষ্ণ প্রভু জি দণ্ডবত প্রণাম। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है? प्रभु जी मैं ये जानना चाहता हूँ, जो कहते हैं कि मृत्यु के बाद जब शरीर छूटता है और आत्मा को यमराज लेकर जाते हैं और विभिन्न प्रकार की प्रताड़नाओं के दौर से गुजरता है वो, जी प्रभु, तो प्रताड़ना के बाद जब पुनः 84 लाख योनियों में किसी रूप में उसका जन्म होता है या यदि उसे मनुष्य जन्म मिलता है जी, तो वो जो उस समय कहते हैं कि पुनः अगर उसे तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं संसार में, तो लोग ये कहते हैं कि ये अपने प्रारब्ध को झेल रहा है या इसके प्रारब्ध में कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे जिसकी वजह से ऐसा झेल रहा है। तो क्या प्रभु जी जब शरीर छूटा, मृत्यु हुई और उसको प्रताड़नाएं झेलनी पड़ी, तो क्या उस समय उसका प्यूरिफिकेशन नहीं हुआ, उसके अकाउंट्स खाली नहीं हुए जो उसे पुनः संसार में आके मुसीबतों को झेलना पड़ता है? देखिए वो बहुत दो तीन इसमें फैक्टर होते हैं। पहला तो हमारे कर्म हैं, अभी कर्म को हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। अभी यमराज के दरबार में जाके डिसीजन होता है कि इसको किस प्रकार का दंड मिलेगा। इसलिए जितने भी आप पुराण देखेंगे आपको, इसीलिए ना हम लोग जैसे हम लोग कार्तिक महीने में, आप लोगों को याद आ रहा होगा कार्तिक महात्म्य में हम लोग बहुत सारी कहानियां बता रहे थे कि एक देवी, एक स्त्री ने अपने पति को प्रताड़ना की, उसको कितनी योनियों में जाना पड़ा, कभी शुकर की योनि में जाना पड़ा क्योंकि इतना वो सफरिंग थी उसने अपने पति को, लास्ट में आके एक लाइफ टाइम शुकर की योनि में, एक लाइफ टाइम किसी और योनि में, फिर लास्ट में उसको पिशाच योनि मिली थी, याद आ रहा है आपको? तो बहुत बार एक बार में हमारी सारी एक्टिविटीज नहीं जाती हैं। आपको अगर बीटिंग मिले भी, बहुत अच्छे से पिटाई मिले, तब भी सारी चीजें नहीं जाएंगी। इसलिए पुराण में जितनी भी स्टोरीज हैं ये हमें इंस्ट्रक्शन देती है। जैसे एक उदाहरण आप लोगों को याद आ रहा होगा, चैप्टर 1 का जब हमने फिनिश किया था, सुशर्मा की कहानी बताई थी कि हर चैप्टर के बाद गीता महात्म्य की स्टोरी में शिव जी पार्वती को स्टोरी बता रहे हैं कि हर चैप्टर का कुछ ग्लोरी है। चैप्टर 1 का ग्लोरी है, चैप्टर 2 के बारे में भगवान बताते हैं, चैप्टर 3 के बारे में शिव पार्वती के बीच में डिस्कस हो रहा है कि अगर चैप्टर 3 को ही सुनता है तो उसको क्या फल मिलेगा। तो चैप्टर 1 में कहानी में आती है सुशर्मा की कहानी। एक ऐसा ब्राह्मण था जो बहुत ही खराब चरित्र का था, बहुत लोगों को प्रताड़ना की, चोरी डकैती बहुत सारे ऐसे कार्य किए, उसको दंड मिलता है कि यू आर फ्रॉम अ रिस्पॉन्सिबल बैकग्राउंड। देखिए कर्मा भी ऐसे कार्य करता है, जो हायर जो जिसके पास ज्ञान है अगर वो मिसयूज कर रहा है उसको ज्यादा पनिशमेंट मिलेगा। वही एक्टिविटी अगर कोई लोअर ग्रेड का कोई व्यक्ति करता है जिसके पास उतनी चेतना नहीं है उसको उतना पनिशमेंट नहीं मिलेगा। तो उसको फिर पनिशमेंट मिलता है कि एक जन्म उसको एक तो हेलिश प्लैनेट्स में पिटाई पड़ती है, बहुत पिटाई पड़ती है, उसके बाद उसको बहुत सारे योनियों में जाना पड़ता है, लास्ट जन्म मनुष्य जन्म, लास्ट जन्म उसको मिलता है बैल का जन्म, और बैल के जन्म में जाने के बाद भी उसको बहुत मार पड़ता है। इस मास्टर वाज वेरी बैड, बहुत मार पड़ती थी, बहुत खटाया जा रहा होता था। तो हम लोग देखिए इस कलयुग में भी बहुत सारे जीव हैं, बहुत कष्ट पा रहे हैं। ऑफ कोर्स वी शुड हैव सिंपैथी फॉर ऑल द जीवस, हर जीव के प्रति हमें सिंपैथी होनी चाहिए, बट इसके पीछे ये भी कारण है कि पिछले जन्मों के हमारे कुछ कर्म ऐसे रहे हैं जो कैरी फॉरवर्ड होते हैं और पूरे हेलिश प्लैनेट्स में सारे सब चीजों का भक्षण नहीं हो पाता है, कुछ जो रिमेनिंग हो जाते हैं। पिटाई पड़ने के बाद उनको बोला जाता है कि यू विल बी इन दिस लाइफ फॉर दिस मेनी लाइफ टाइम्स। ऐसे भी नहीं है कि 84 लाख पूरा घूमना पड़ता है प्रभु जी, उसमें भी बोला जाता है कि कुत्ते की योनि में इतना, उसके बाद गधे की योनि में, उसके बाद भी फिर उसके बाद मनुष्य योनि मिल जाएगी। ऑफकोर्स देर आर शॉर्टकट्स, बहुत सारे शॉर्टकट हैं, 84 लाख डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपार्टमेंट्स आर देर। तो वो क्या करते हैं, वो उनको चूज करवाते हैं कि आपको इसको इतना दिन के लिए इस योनि में, मतलब 84 लाख बिल्डिंग है, अभी आपको 84 लाख बिल्डिंग या 84 लाख जेल है, इस जेल में उसको इतना देर सजा काटनी है, इसको फिर इतना देर सजा काटनी है, फिर लास्ट में जब हो जाएगा, जब भुगत लेगा तब जाके उसको मनुष्य योनि मिल जाएगी। इसीलिए कलयुग में इतने सारे जीव दूसरों पे प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, नरक में जाके पिटाई भी पड़ रही है, जो रिमेनिंग कर्मा होता है वो इस तरह से इस कलयुग में भी जीवों के साथ जो खराब बर्ताव हो रहा है उसके कारण ये भी है कि प्रीवियसली दे हैव ऑल्सो डन सम बैड एक्टिविटीज फॉर अदर जीवास।
एंड नाउ दे आर सफरिंग इन दैट वे. बट हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, दे डिजर्व इट, उनको मारना है हमें, नहीं. हमें ये सोचना चाहिए, अरे वी शुड हैव कंपैशन फॉर ऑल जीवस, भले ही उनके कर्म में जो भी लिखा हुआ है, बट वी शुड नॉट डू ऑल दिस. हमें खुद अपना कर्म भी नहीं बढ़ाना है, एंड वी शुड हैव मर्सी फॉर अदर लिविंग एंटिटीज, राइट. तो शांति जी, ये थोड़ा आंसर क्लियर हो? थैंक यू. हरे कृष्णा. तो पंकज आंगरी प्रभु का कुछ पास टाइम बताएं. ओके प्रभु. तो यस डेफिनेटली, तो क्लास इज ऑफिशियली ओवर. अगर जो लीव करना चाहते हैं, दे कैन डेफिनेटली लीव. सोमनाथ प्रभु, आफ्टर डेथ इफ वी डू नॉट हैव बॉडी देन हाउ पनिशमेंट इज गिवन इन वेरियस प्लैनेट. वी डेफिनेटली हैव बॉडी. हमने क्या बताया, एक शरीर से दूसरे शरीर में क्या जाती है, सटल बॉडी प्लस प्राणवायु. हमने बताया ना, प्राणवायु को तो मैं देखा निकलते हुए, साथ में सटल बॉडी भी हो, दिख नहीं रही थी, आत्मा दिख नहीं रही थी. तो एक शरीर से दूसरे शरीर सटल बॉडी जाती है, और उसको फिर नेक्स्ट में एक ग्रॉस बॉडी दिया जाता है. सटल बॉडी में हमारे मन, बुद्धि, अहंकार, हमारे पास्ट लाइफ के पास्ट डिजायर्स, सारी चीजें एक लाइफ टाइम से दूसरे लाइफ टाइम में जाते हैं. फोबियाज, एंग्जाइटी, ये सारी चीजें जाती हैं. हमारे जिनमें जितने भी भोग की वासनाएं हैं, सब जाती हैं एक लाइफ से दूसरे लाइफ टाइम. तो दूसरे लाइफ में जाकर उसको नया शरीर दिया जाता है, और नया शरीर जैसे अगर नरक में लेके जाया जाता है, नरक में दूसरे उसको नया एक शरीर दिया जाता है, यातना शरीर. और यातना शरीर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसका हाथ भी काट दोगे, पैर भी काट दोगे, तो भी उसका मृत्यु नहीं होने वाला है, पेन जरूर होगा, और फिर जुड़ भी जाएगा. आप उसका गला काट दो, उसको पेन होगा गला काटने का, लेकिन फिर कुछ देर बाद जुड़ भी जाएगा. इस तरह का दर्जी वाला शरीर मिलता है उनको, पेन पूरा पूरा होता है, और पेन काफी ज्यादा होता है, सफरिंग होती है, लेकिन वो मरता नहीं है शरीर, वो यातना शरीर देते हैं. और उसके बाद फिर शुकर का, वहां पे अभी किसी को अगर हॉग बनाना है, सुअर की शरीर देना है, तो नरक में क्या किया, तो उसको ट्रेनिंग दी जाती है. वहां पे एक नदी है जिसमें सिर्फ स्टूल और यूरिन पास हो रहा होता है, उसमें ट्रेनिंग दी जाती है. यातना शरीर में मनुष्य देह के साथ उसको ट्रेनिंग दी जाती है, तो खा इसको. और वो बोलता है ये मैं कैसे खा सकता हूँ, खाएगा नहीं, मतलब पीट 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 के खिलाते हैं उसको. जब जैसे ही परफेक्ट हो जाता है, नाउ ही इज फिट टू ईट स्टूल, नेक्स्ट देन उसको प्रमोशन दिया जाता है, देन ही इज सेंट टू हॉग्स बॉडी सो दैट ही कैन एंजॉय नाइसली. इन द सेंस दिस इज ऑल्सो सफरिंग, बट ही इज थिंकिंग दैट ही इज एंजॉइंग. उसकी वो सफरिंग वाली पोजिशन है. तो इसीलिए बताया ना हमने कि इस संसार में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अज्ञानता. हम अज्ञानता में सोचते हैं कि वी आर एंजॉइंग, बट वी आर नॉट एंजॉइंग. संसार का सबसे बड़ा जो सफरिंग का बीज है, वो पाप कर्म का सबसे, आपको साइकिल का याद आ रहा होगा, द रूट कॉज इज इग्नोरेंस. वी डोंट नो दैट आई एम द सन ऑफ लॉर्ड कृष्णा, आई डिजर्व मच मोर एंजॉयमेंट, बट आई एम सफरिंग इन दिस वर्ल्ड, राइट. हमें इस सारी चीजों को भोग करने की आवश्यकता नहीं है, बट स्टिल वी आर सफरिंग. हाँ, तो प्रभु जी बोलते हैं मृत्युर समय जमराज चिरंजित वो बोलते हैं दूत एसे आत्मा के टेने बार करे करे किंतु संगे निये जाए ना, যতদিন তার শ্রাদ্ধ হয় না ততদিন কি ওরা ওয়েট করে. ইয়েস, জব তক উনকা শ্রাদ্ধ নি হতা হ্যায় ও জো 12 দিন হতে হ্যায় 12 ইয়া 13 দিন ও লোগ আপকে ঘর পে হি ও কোতওয়াল লোগ হতে না জেসে আবি দো সার্জেন্ট লোগ আগে আকে মান লিজিয়ে কহিন দঙ্গা ফসাদ হতা হ্যায় দঙ্গা ফসাদ কে বাদ দো সার্জেন্ট লোগ ভি বেঠ জায়েঙ্গে ওয়া পে কোই দঙ্গা ফসাদ না হো ও আপকে ঘর কে বাহার হি খড়া রহেগা দো পুলিশ অফিসার বেঠে রহেঙ্গে পুলিশ অফিসার নেই সন্ত্রী লোগ বেঠে রহতে হ্যায় উসি তরহ সে যমরাজ লোগ আতে হ্যায় শরীর সে নিকাল লেতে হ্যায় লেকিন তব তক উসকে ঘর কে আসপাস হি ও আত্মা রহতি হ্যায় That's why उस समय हम जितना उस आत्मा के लिए दान यज्ञ तप करेंगे, चैंटिंग करेंगे, नाम जप करेंगे, उसको चैरिटी देने की कोशिश करेंगे, दैट वे इज दिस पुलिस ऑफिसर्स दे ऑल्सो बिकम सेटिस्फाइड. ये यमदूत भी सेटिस्फाइड होते हैं, अरे भाई यज्ञ कर रहा है. और जो यातना का शरीर होता है वो बनता कैसे, विष्णु को आहुति दी जाती है और उससे एक एक अंग बनता है, उसका हाथ बनता है, पैर बनता है. और आजकल के जनरेशन तो कुछ करती नहीं है, तो वो भी विकलांग उसका यातना शरीर बनेगा. हम उसको चाहते जरूर हैं, हम अपने माता पिता सबको चाहते हैं, लेकिन हम अपने कार्य नहीं करेंगे अगर, नॉट इवन चैंटिंग, नॉट इवन एनी काइंड ऑफ यज्ञ, उसके लिए कुछ भी अगर हम नहीं कर रहे हैं, ना उसके लिए दान पुण्य कुछ भी करेंगे, ना भगवदगीता पढ़ेंगे, श्लोक पढ़ेंगे, या भगवदगीता किसी को बांटेंगे उनके लिए, वट हैपन्स, उनका शरीर का अंग नहीं बनता है, और उसको गलत तरह का यातना शरीर बनता है, और उसको खाने को भी नहीं मिलता है. और उसके जो संतरी जो बैठे हुए रहते हैं, वो तो यार तेरे रिलेटिव्स किस प्रकार के हैं, कुछ ना तेरे को खाने, हम लोग को भी खाने के लिए नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इसी खाने को वो एक साल चलाने वाले हैं, 348 डेज उसको ट्रैवल करवाना है. तो संतरी लोग बहुत पीटते हैं उसको, उसके जो यमदूत लोग हैं तो बहुत पीट पीट के लगे आते हैं, व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू आर. इसीलिए बहुत बार देखिएगा जब कोई शरीर छोड़ता है, उसके बाद घर में बहुत सारी अशांति होने लगती है. क्यों? क्योंकि उसकी उनके जो पूर्वज हैं घर पे बहुत पीड़ा पा रहे हैं, एंड दे आर कॉजिंग सम डिस्टर्बेंस, कि भाई गिव डू समथिंग फॉर अस ऑल्सो, डू सम चैंटिंग, डू सम एकादशी व्रता, कुछ तो कीजिए, भक्ति के कुछ कार्य कीजिए, ताकि उनका भी उद्धार हो.
इसीलिए ये लोग बहुत पिटाई करते हैं, इनको भी खाने को मिल नहीं मिलता है क्योंकि इनको भी एक साल ट्रैवल करना है तेरे साथ, और तेरी तेरे फैमिली वाले ऐसे हैं कि हमको भी खाने नहीं दे रहे, तेरे को भी खाने नहीं दे रहे, तेरा हिस्से का जो खाना है वो हम खा जाएंगे। तो ये यमदूत लोग ऐसे करते हैं, एक साल उनको ट्रैवल करवाते हैं। यस, गरुड़ पुराण पढ़ सकते हैं शारदा को, लेकिन पहले भागवत पुराण पढ़ लीजिए, भागवत पढ़ लीजिए उसके बाद गरुड़ पुराण पढ़िए ना, क्या प्रॉब्लम है। हमें पाठी देवो माता जी, लता माता जी, सब प्राणवायु लिस्ट हमें पाठी देवो, ठीक है सर। एंड पंकजांगरी प्रभु के बारे में जो बताना चाहूंगा, पंकजांगरी प्रभु एंड जननिवास प्रभु, श्री प्रभुपाद जी आप लोगों को पता ही होगा कि 1970s में प्रभु जी लोग आए इंडिया में, तो दोनों जुड़वे भाई थे, उनमें से पहला जो जुड़वे भाई थे जननिवास प्रभु वो इंडिया आए पहली बार। और ये लोग पहले के समय में सब हिप्पी लोग होते थे, हिप्पी लोग सब भारत में आके धर्म की तलाश में, देखिए बाहर वाले लोग भारत में आके धर्म की कोशिश करते हैं खोजने की, और जो भारत वाले हैं वो लोग सोच रहे हैं कि वी कैन टेक वेस्टर्न लाइफस्टाइल, वी विल बी हैप्पी विद दैट। तो ही वाज सर्चिंग इन जगन्नाथपुरी, तो जगन्नाथपुरी में ऐसे घूमते 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 जगन्नाथ भगवान के कोशिश कर रहे हैं कहीं भगवान मिलेंगे, तो एक व्यक्ति आए उनके हाथ में, देखा जा रहा है ये फॉरेनर है, तो एक फॉरेनर डिवोटी ने उनके हाथ में बैक टू गॉड हेड मैगजीन पकड़ा दिया, और उनके जुड़वे भाई जननिवास प्रभु को तो मैगजीन पकड़ाया, एंड ही रेड एंड ही बिकेम ग्रेजुअली डिवोटी, वो धीरे धीरे भक्त बन गए, वो मायापुर में आए। सोचिए हम लोगों की कितनी गलत धारणा होती है, स्पेशली इन बंगाल वी हैव वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट अबाउट इस्कॉन डिवोटीज। पहले तो लोग सोचते थे कि ये सब CIA एजेंट हैं, सब भारत को लूटने के लिए आए हैं, पहले भी लूट कर गए, अभी भी लूट रहे हैं। अरे ये लोग ऐसे बड़े बड़े सन्यासी साधु आत्मा है, अरे अगर लूटने आए होते तो अपनी वेशभूषा अपनी चाल ढाल छोड़ते नहीं, बल्कि अपनी वेशभूषा देकर जाते हैं। अभी भी हम लोग अंग्रेजों के पिट्ठू वो बन के हुए हैं, पैंट शर्ट सब कुछ हम लोग उन्हीं का पहन रहे हैं, उन्हीं की चाल ढाल, उन्हीं की लैंग्वेज, हर चीज उन्हीं की यूज कर रहे हैं। लेकिन ये लोग क्या करने हैं, ये लोग क्या धोती कुर्ता तिलक हमारी वेशभूषा को लेकर आए, हमारी वेशभूषा को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमारी चाल ढाल को ले रहे हैं, एंड वी थिंक दैट वी आर रॉन्ग पीपल। उनका कोई हिडन एजेंडा है, स्पेशली बंगाल में बहुत ज्यादा मिसकॉन्सेप्शन है उसको लेकर। तो ही केम टू मायापुर एंड ही एक्सेप्टेड वेरी नाइसली। ऑफकोर्स प्रभुपाद जी का यह था कि पूरे 14 भुवन में ये दो भाई जो हैं जननिवास और पंकज अंगरी, ऐसे इतने शुद्ध आत्माएं एट प्रेजेंट कोई नहीं है, इतने प्योर सोल्स, कभी भी किसी को क्रिटिसाइज करना या कुछ करना, एकदम भगवान के प्रति निष्ठा है इनकी। तो बड़े भाई जननिवास प्रभु पहले जाके ज्वाइन किए, फिर उन्होंने चिट्ठी लिखा अपने भाई को कि आई एम हेयर, तो भाई ढूंढता ढूंढता आया। मम्मी ने बोला अरे भाई को भाई भाई, भाई पागल हो गया लगता है, साधु वादु बन गया। भाई ढूंढता ढूंढता आया, भाई ने पता चला अरे भगवत गीता श्रीमद भागवतम श्रील प्रभुपाद जी के किताबें पढ़ने लगे, भाई भी यहाँ रह गए मायापुर में, और ऐसे रहे कि 40 ईयर्स, सोच सकते हैं 40 सालों तक कभी भी देश तो क्या अपने घर तो गए ही नहीं, मायापुर की चार दीवारी के बाहर भी कभी नहीं निकले। सच काइंड ऑफ डेडिकेशन टू श्री श्री राधा माधव एंड नरसिंह देव। और उस समय इतनी टफ सिचुएशन थी, मच्छर पानी के लिए, पीने के लिए पानी नहीं, नहाने के लिए हैंडपंप नहीं है, इतना स्ट्रगल करके उन्होंने मायापुर को एस्टेब्लिश किया है, चैतन्य महापुर के धाम को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की। और तो और उतने डकैत लोग आते थे, बहुत पीड़ा देते थे, देयर आर सो मेनी डकैट्स, स्पेशली मुस्लिम लोग आके गोली मार के गए, दे हैव मेड वेस्टर्न डिवोटीज माता जी मतलब स्ट्रिप्ड ऑफ, कपड़े उतार के सबके सामने ऐसा किया उन्होंने, सच काइंड ऑफ अत्याचार दे डिड इन मायापुर, एंड नॉट इवन अ सिंगल रिपोर्टर न्यूज़पेपर वुड रिपोर्ट, उल्टा क्या दिखाते थे कि दीज आर CIA पीपल, इतना बुरा बर्ताव किया, एंड दे टॉलरेटेड एवरीथिंग फॉर कृष्णा सिख। ऑफकोर्स बहुत बुरा बर्ताव हो रहा था उस समय, और उस समय कम्युनिस्ट रेजिम भी थी बंगाल में, पीपल वर रियली धर्म प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल था। तो धीरे धीरे लोगों ने ये किया, और लास्ट में 1984 में इतना बुरा ये सब हो गया कि एक डिवोटी के पैर में जाके गोली मार दी, एक मुस्लिम लोग आए, बहुत सारे गुंडे लोग आते थे, और साथ ही साथ ज्वेलरीज डीटीज के ज्वेलरीज को भी उन्होंने चुराने की कोशिश की। उस समय भक्तों ने सोचा कि स्पेशली देखिए ये मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी आगे चल के नरसिंह चतुर्दशी भी आने वाली है, तो नरसिंह चतुर्दशी कितने लोगों ने नरसिंहदेव वाली बुक पढ़ी, हमरा जरा मायापुरे यात्रा गेसिलाम, अपना एक छोटो बोयर कथा बोले नरसिंहदेव इन मायापुर पढ়ে হবে নিশ্চয়ই, ওখানে পঙ্কজাঙ্গরি প্রভুর কথা বলা আছে, সোমনাথ প্রভু ইয়েস পড়েছেন, আরো অনেকজনকে দিয়েছি তারা নিশ্চয়ই পড়েছেন জানেন ওরা, প্রীতম প্রভু ইয়েস। তো ওহা পর ইয়ে কাহানি আতি কি পঙ্কজাঙ্গরি উস সময় ইতনি পীড়ায় হো রহি, তব জাকে উনহোনে সোচা কি নরসিংহদেব কো আগর বুলাতে হ্যায় ইয়ে সারি চিজে নাহি হোঙ্গি, ভক্তো কে রক্ষক হ্যায় ভগবান নরসিংহদেব। তো বহুত কষ্ট সে নরসিংহদেব ওহা পর আয়ে, আর জেসে হি সাউথ ইন্ডিয়া মে বনে ও ডিটি, वो जिस कुटिया में थे कुटिया में आग लग गई, इतने उग्र नरसिंहदेव फॉर्म है, वो चाहते थे कि मुझे मायापुर लेके चलो, तो पुजारी ने फोन किया भाई लेके जाओ, तुम्हारे माया नरसिंहदेव बन गए हैं, ये यहाँ रहेंगे नहीं,
फिर किसी तरह से सब कुछ आते आते मायापुर में आए, और मायापुर में आने के बाद वो शांत स्वभाव के हो गए, क्योंकि महाप्रभु भी मायापुर में शांत स्वभाव के हैं, ही इज औदार्य भाव। तो जिस विग्रह को भले ही नरसिंहदेव बहुत उग्र रूप है, बट इन दिस मायापुर धाम ही इज इन मोस्ट सौम्य भाव, बिकॉज ही हैज टेकन द औदार्य भाव ऑफ चैतन्य महाप्रभु। उस धाम का भाव वो विग्रह ले लेते हैं। महाप्रभु आए हैं प्रेम देने के लिए, गोपियों का प्रेम देने के लिए, हम सबको कृष्ण के प्रति जो भावना है हम सबको वो भक्ति देने के लिए आए हैं। तो नरसिंहदेव भी एकदम कूल फॉर्म में है, सबसे ज्यादा वो स्माइल कर रहे हैं। दिस इज स्माइल, इफ यू सी हिज नेल्स, बहुत सारे नाक दिखेंगे, अरे दांत एकदम उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंगम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्यु नमाम्यम। देखने में उग्र है लेकिन ही इज एक्चुअली वेरी मच हैप्पी ऑन डिवोटीज। जो असुर होते हैं वो देख के डर जाते हैं, नरसिंहदेव अरे यार एकदम भयानक है, कैसे पूजा करूं यार। जो भक्त होते हैं वो तो स्माइलिंग है, स्पेशली दे हैव डिवोटीज हैव सो मच फेथ ऑन नरसिंहदेव। हर भक्त के जीवन में जो भी इस्कॉन का डिवोटी है, एवरीवन नोस दैट हाउ लॉर्ड नरसिंहदेव हैज रेसिप्रोकेटेड इन देयर लाइव्स। तो जब नरसिंहदेव आए उनकी पूजा कौन करेगा, इतने सब डरे हुए थे, अरे नरसिंहदेव उग्र रूप है कैसे पूजा करेंगे, तो सब डरे डरे पूजा कर रहे थे। तो पंकज अंगड़ी उस समय मेंशन हुआ, जो एकदम नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, जिसने कभी भी एकदम पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का व्रत पालन किया है, उसी को पूजा करना है। तो सबने सिलेक्ट किया, ये दोनों सबसे भाई एकदम नम्र हैं, इसमें से पंकज अंगड़ी को सिलेक्ट किया, नरसिंहदेव का पूजा करो। 1984 की बात है, 84-85। तो वो पूजा करना शुरू किए और वो डरे रहते थे, नरसिंहदेव की पूजा कर, अरे तवकर कमल वरे न कमद गुत श्रृंग, हाथ कांप रहे हैं। तो उस दिन एक दिन नरसिंहदेव केम इन हिज ड्रीम, सेम फॉर्म जो मायापुर के नरसिंहदेव आए सपने में, और बोलने लगे अरे वाई। और उस समय पंकज अंगड़ी को गमछे में थे ना, आश्रम में सोए हुए थे, और उसी समय सपने में आते हैं नरसिंहदेव, बोलते हैं वाई यू आर वर्शिपिंग मी आउट ऑफ फियर, तुम मुझे पूजा कर रहे हो, मेरी सेवा कर रहे हो, तुम डर क्यों रहे हो, आई एम फियरफुल फॉर दोज पीपल हु आर एनवियस। असुरों के लिए मैं इतना डरावना, भक्तों के लिए डरावना नहीं हो, चिंता मत करो, मेरे लिए मुझे प्रेम से पूजा करो, डोंट देर इज नो वरी फॉर यू, डोंट वरी। तो ऐसे करते हुए उन्होंने अपने जो नाखून वाले हाथ है उनके हाथ उनके कंधे में रखा, उनको सांत्वना दी, ऐसे उनके कंधे पे रखा, और ही वॉज फीलिंग कि अरे पूरे ब्रह्मांड का भार लगता है मेरे कंधे पे आ गया, सो हेवी, सपने में ही पूरा सो इतना हेवी लग रहा है, अरे उठा नहीं पा रहा हूं। उसके बाद जैसे ही आंख खुली, अरे भगवान भगवान, तो वो सोचे कि अरे भगवान के जाके दर्शन करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ। तो इमीडिएटली वो पहुंच गए एकदम अल्टर वाल्टर, दरवाजा खोला, रात को 2 बजे पूरा 1:30-2 बजे भगवान का अल्टर खोल गया, दंडवत प्रणाम मार रहे हैं, और सब भक्त लोग भी पीछे पीछे आ रहे हैं, क्या करे, अल्टर भी खोल दिया उसने, अल्टर खोल के बाद में देख रहे हैं गमछा पहन के भगवान के सामने दंडवत मार रहे हैं। तो दिस काइंड ऑफ थिंग हैपेंड विद प्रभु जी। लेटर ऑन उन्होंने जब सबको कहानी बताई तो सबको दिखा कि भगवान के जो दोनों हाथों के निशान थे, नाखूनों के निशान, जो पंजे के निशान थे, उनके हाथों भगवान भी चिन्ह निशानी देखे जाते हैं, तो उनके कंधे पे हाथों के निशान पड़ गए थे, बहुत दिनों तक थे हल्के निशान, बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक थे, एवरीवन कुड सी। तो दिस इज देयर प्योरिटी, नरसिंहदेव पर्सनली रेसिप्रोकेट्स विद। और हमारे लिए भी नरसिंहदेव इतने, अभी 25 तारीख को नरसिंह चतुर्दशी भी है, हम चर्चा करेंगे उसके बारे में, नरसिंहदेव की लीला के बारे में। तो वी शुड हैव नो फियर कि नरसिंहदेव इज प्रोटेक्टिंग। एंड ऑफकोर्स ये जो प्रभु जी के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, हम लोग ऐसा देखिएगा, दिस whoever has taken birth in this world, he will have to leave. But how he lives in remembrance of Krishna, that is very much important. और वो तो भगवान का और उनके अंदर डीलिंग चल रहा है, जो पूरे संसार को बचा रहे हैं, हम सबको बचा रहे हैं, हर भक्त के साथ ऐसा रिलेशन हुआ है, नो बड़ी। एंड इन माई लाइफ आई हैव लाइक, मेरे जीवन में जितनी बार भी कोई समस्या आई है, नरसिंहदेव हैज हेल्प मी सो मेनी टाइम्स। इतनी मेरी यह है कि नरसिंहदेव इज सो मच प्रोटेक्टिंग। इसीलिए देखिएगा, राधा माधव के पास लोग जाते हैं लेकिन नरसिंहदेव के पास ज्यादा ही जाते हैं, भगवान हमारे भक्ति में संकट जो है विनाश, सबका विनाश कीजिए, प्लीज हेल्प मी। इसलिए आप लोगों के लिए भी, हमारे लिए भी, और मे बी इन 25th मई इज कमिंग, हम लोग नरसिंह आरती भी इंट्रोड्यूस करेंगे, हाउ टू डू नरसिंह आरती एट होम। कुछ और ना करें, एटलीस्ट नरसिंहदेव की आराधना करें, हमारे भक्ति के, हमारे सारे जो अनर्थ है, हमारे जितने भी बाधाएं हैं, सब दूर होंगे। जैसे कोविड काल में भी नरसिंहदेव को आप याद करेंगे, नरसिंह कवच पढ़ेंगे, देन आल्सो देयर विल बी नो इश्यूज, राइट। तो ये है इन दोनों की कहानी, पंकज अंगड़ी पू, जननी वसु। ये लोग ऐसे जब भगवान के बारे में बोलते हैं, जब वर्णना करते हैं, आप बात करेंगे, वी कैन अंडरस्टैंड दैट दे हैव सीन कृष्णा फेस टू फेस। वो बोलेंगे कि कृष्णास हैंड्स आर सो सॉफ्ट, एक बार हम लोग के साथ बात करने कहने लगे, हिज हैंड्स आर सो सॉफ्ट, हिज लेग्स आर सो सॉफ्ट, भगवान कृष्ण के चरण इतने सॉफ्ट हैं, अगर वो घास के ऊपर भी भगवान कृष्ण, एक बार जननी वसु बता रहे थे, अगर वो घास के ऊपर चलते भी हैं भगवान कृष्ण, तो घास अगर पैर पे अगर ऐसे अगर टच भी हो जाए तो भगवान के शरीर पे लाल रंग का एक दाग पड़ जाता है, इतने सॉफ्ट है। तो घास कितनी सॉफ्ट होती है, लेकिन भगवान कृष्ण का शरीर कितना सॉफ्ट है। तो वो जब डिस्क्राइब कर रहे थे, मैं सोच रहा, अरे
अगर कोई इस तरह से डिस्क्राइब कर रहा है, he must have seen Krishna face to face. राधा माधव और ये राधा माधव के पुजारी जननीवास, वो इतने सालों से डेडिकेटेडली सेवा, कभी भी कहीं मायापुर छोड़ के कभी नहीं गए, इतने सालों तक, यही हमने बताया ना, ब्रह्मचारीज आर देयर डूइंग देयर सैक्रिफाइस थ्रू श्रोत्र, ये उनके, दिस इज अ लाइफ टाइम ऑफ सैक्रिफाइस, दे आर मोस्ट प्योर डिवोटीज. नाउ जननीवास इज स्टिल देयर, बट ये है, दिस इज दिस काइंड ऑफ डेडिकेशन दे हैव गिवन. तो प्रभुपाद जी ने जो ये बनाया है, we have sufficient examples of pure devotees, we just have to see them and try to emulate in our life. हमारे लिए ये सब रोल मॉडल है. আমি এক কাজ বইটা কোথায় পাবেন মাতাজি? আমার কাছে আছে, আমি পারলে জানি না কিভাবে দেবো আপনাকে. যদি মন্দিরে আসেন, খুব ছোটি বই আছে, নৃসিংহদেবের লীলা আছে মায়াপুরে, না হয় আমি যদি কলকাতা যাই আমি চেষ্টা করবো আপনাকে পাঠানোর, ঠিক আছে? ওকে, হরে কৃষ্ণ. তো আজ বহুত সময় লে গিয়া মানে, অ্যান্ড কোই ভুল চুক হো গই হো ক্ষমা কিজিয়েগা. ধন্যবাদ. হরে কৃষ্ণ, থ্যাংক ইউ সো মাচ. শিল প্রভুপাদ কি জয়, সমবেত ভক্তবৃন্দ কি জয়, নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি গৌর. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. श्रीमद्भगवद्गीता की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, बताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्ण.